हेलो क्लास 10, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल के वन शॉट के बारे में। बेसिकली हम पूरा जगह पर चैप्टर नंबर 3 को एक ही बारी में कवर अप करेंगे। इसके पहले के चैप्टर 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखे है सो गाइज जस्ट गो एंड वॉच, क्योंकि वन शॉट है बट स्टिल डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जितना नीडेड है उतना सब कुछ आपको वन शॉट में यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो लर्न एंड फन का यहाँ पे सबसे बेस्ट चैनल बच्चा, जिसपे मैं आपकी प्यारी सी सुभद्रा मैम आपको आज कवर अप करवाने वाली है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इस चैप्टर में हमारे मेन टॉपिक कौन से हैं, और साथ में हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। क्वेश्चंस मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर बताऊंगी कि आपको कौन से क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा प्रिपेयर करने हैं, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सो वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट। शुरुआत करते हैं कि हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। तो इस टॉपिक चैप्टर की बात करूँ तो टॉपिक्स इसके अंदर कुछ ऐसे हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों के लिए हमको पढ़नी है। फिर बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, ऑफकोर्स मैंने बोला कि दोनों के लिए मेटल एंड नॉन मेटल, हमको दोनों के लिए ही इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कवर अप करनी ही है। देन मेटल्स और नॉन मेटल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो ये मेटल विथ नॉन मेटल बेसिकली कुछ नहीं, हमें आयनिक कंपाउंड्स के बारे में समझना है। डिटेल एक्सप्लेनेशन इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एंड हम लोग ये भी जानेंगे कि हमारे पास में जो मेटल है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके कैसे कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। देन अक्रेंस ऑफ मेटल, यानी हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमारी अर्थ से मेटल कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या प्रोसेस होती है, किन प्रोसेस को हमें फॉलो करना है, हम ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। एंड देन कोरोजन, तो ये सबसे लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर हम प्रिवेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोजन तो ठीक है सबको आता है, मेन है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में लाइक अब हमारे पास में जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, दैट्स इट कि हमको ये सारी चीज़ें कवर अप करना है। चलिए स्टार्ट करने के पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो हमको पता है हमारे पास में पूरे के पूरे 118 एलिमेंट है, यानी कि 118 एलिमेंट्स है। अब इन एलिमेंट्स के अंदर हमने कुछ कैटेगराइज किया हुआ है कि यार कुछ को हम मेटल बोलते हैं, कुछ को हम नॉन मेटल बोलते हैं, एंड सम जो होते हैं उनको हम मेटालॉइड्स बोलते हैं। तो मेटालॉइड्स हमें बिल्कुल अभी काम नहीं है, तो हम लोग मेटालॉइड्स को थोड़ा किनारे करके मेटल एंड नॉन मेटल पे ही चर्चा करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर मेटल्स क्या होती है, यानी कि आप मेटल को कैसे देखकर पहचानोगे। तो पहचानने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार, देखने में जो शाइन करती है ना, पहली बात कि अगर आपके सामने मैंने कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए, कुछ आपके पास में मतलब रखे हुए सब्सटेंसेस, मैंने बोला कि यार सैम्पल सब्सटेंसेस है, एंड नाउ चेक करो और बताओ कि यार आपके पास में कौन सी मेटल है, कौन सी नहीं नॉन मेटल है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग थोड़े से बेसिक टेस्ट करोगे। टेस्ट मतलब कि आप उसे ठोक कर देखोगे, आप उसको चेक करोगे कि यार शाइन कर रही है नहीं कर रही है, आप उसके सरफेस को टच करके देखोगे, एंड हो सकता है कि कुछ बच्चे लोगों का मन करे तो उसको आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके दिखाओगे। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप सिर्फ ऊपर से देख देख के सॉल्व कर सकते हो, दैट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स क्या होती है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, हार्ड सब्सटेंसेस में से एक होता है मेटल। यानी कि आपके पास में जितने भी, इफ़ यू रिमेंबर आयरन, आयरन इज़ अ फॉर्म ऑफ मेटल, आयरन भी मेटल के अंदर कैटेगराइज किया गया है। अगर आप गोल्ड जानते हो तो गोल्ड को भी मेटल के अंदर कैटेगराइज किया गया है। सेम सिल्वर, सिल्वर को भी हम लोग एज अ मेटल ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि यार ये सब के सब मेटल है। तो कहीं ना कहीं यू फील कि यार हाँ ये तो हार्ड सब्सटेंसेस है। हमने कभी ये नहीं सुना कि यार हम लोग जो रेलवेज होता है रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, या फिर हम लोग ब्रिजेस बनाने के लिए किसी अदर चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग जनरलाइज अगर देखा जाए तो आयरन जैसे किसी हार्ड सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि आयरन जो होता है वो ब्रिज बनाने के लिए सही मेटल है या सही पदार्थ है, सही सब्सटेंस है। बट वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है। वी नेवर यूज कार्बन देयर, हमने कभी कार्बन का यूज़ किया कि यार कार्बन से हम लोग ब्रिज बनाएंगे, कार्बन से हम लोग कार बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। सो रीज़न क्या है इसके पीछे का, रीज़न बहुत सिंपल सा है कि जो हार्डनेस हमें चाहिए होती है, जो स्ट्रेंथ हमें चाहिए होती है, वो सिर्फ और सिर्फ मेटल के पास में ही होती है। बट ऑफकोर्स केमिस्ट्री है तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस तो रहेंगी,
उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हार्डनेस, द मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट अल्कलाइज मेटल्स। यस, जो हमारे पास में अल्कलाई मेटल्स होती है ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो ये हमारे पास में एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन कौन से लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ईटीसी आर वेरी सॉफ्ट मेटल, दीज कैन बी कट बाय यूजिंग अ नाइफ, है ना। तो ये पहला एक्सेप्शन जो कि आप कवर अप कर रहे हो इन केमिस्ट्री। देखो हर चीज का ना दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जनरली हम कैटेगराइज करते हैं। हम कभी ये नहीं बोलते ऑल मेटल आर हार्ड, कभी ये नहीं बोलते कि सब में स्त्रंत होती है, हम बोलते हैं जनरली होती है। तो हम बोलते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज में ऐसा होता है कि हम मेटल्स स्त्रंत होते हैं, उनके पास में हार्डनेस पाई जाती है। तो आप लोग यहां पर देख रहे हो कि दिस कैन बी कट बाय नाइफ, तो बेसिकली जो नाइफ से यानी चाकू से जिसको आप काट सकते हो वो हार्ड मेटल नहीं है, वो सॉफ्ट मेटल है, और ये एक्सेप्शन होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं स्ट्रेंथ की। अगेन स्ट्रेंथ ऑफकोर्स जिनको आप अल्कलाई मेटल बोल रहे हैं, ये सॉफ्ट मेटल्स है तो ऑफकोर्स इनके पास स्ट्रेंथ भी नहीं होगी, क्योंकि यार चाकू से तुम जिसको काट लेते हो उसके पास में स्ट्रेंथ तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ, यानी कि इनके पास में ना सहन शक्ति होती है। अगर आप इन पे लोड डालोगे, है ना, अगर आप इनके ऊपर लोड डालोगे तो वो उस लोड को जनरली क्या कर लेता है, सह लेता है। उनके पास में इतना पावर होता है, इतना स्ट्रेंथ है उनके पास में, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर आर मेड यूजिंग मेटल सच एज कॉपर एंड आयरन एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स, है ना। सोडियम पोटेशियम का यूज करके हम लोग बेवकूफ़ी ही करने वाले हैं, क्योंकि पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है, दूसरी चीज़ ये कि इनके पास ना ही स्ट्रेंथ है ना ही ये हार्ड होती है। स्टेट क्या होता है मेटल्स का, मोस्टली सारी की सारी मेटल्स जो है वो सॉलिड होती है, मरकरी को छोड़कर। मैंने बोला केमिस्ट्री है यार तो एक्सेप्शन तो रहेगा ही, मरकरी एक लिक्विड मेटल होती है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। आप टेम्परेचर कम कर दोगे ऑफकोर्स मरकरी वापस से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, बट एक्चुअल में रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये ऑलवेज लिक्विड ही होती है। इसके अलावा एक मेटल है सीजियम, सीजियम जो फैमिली है बेटा लिथियम सोडियम वाली फैमिली के ही मेंबर है, तो सीजियम का भी एक फंडा होता है कि अगर आप इसको अपने हथेली पर लेते हो तो हमारी हथेली पर रखकर ये मेल्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स, 37 डिग्री सेल्सियस ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। तो सीजियम मेटल जो है वो एक्सेप्शन है जो कि हमारी हथेली पर आकर के पिघल जाती है, यानी कि वो पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, यानी देर आर एक्सेप्शंस, है ना। तो मेटल ऑलवेज हमेशा हम नहीं बोल सकते कि सॉलिड होती है, कुछ मेटल्स कैसी होती है बहुत ज़्यादा लाइक लिक्विड होती है या हमारे हाथों पर आते से ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं जनरली मेटल्स के हाई होते हैं बट इनके काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। फिर बात करते हैं साउंड, ऑफकोर्स मेटल्स जो होती है वो टन 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 की साउंड प्रोड्यूस करती है। अगर आपको याद हो हमारे आसपास जितने भी जो उपकरण होते हैं, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें जनरली अगर आप देखो तो यार हम लोग चाहे गिटार हो या फिर आपके ड्रम हो, इनके अंदर कहीं ना कहीं हम मेटल की सरफेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रमर्स जो होते हैं उनके पास में जो भी मटेरियल होता है वो ड्रम के लिए हम लोग मेटल्स को ही चूज़ करते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सेम फॉर वायलिन एंड गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती है, यानी कि जो तार उसके अंदर पाए जाते हैं, वो तार कैसे होते हैं, मेटल के बने होते हैं। कभी हम लोगों ने रस्सी तो नहीं तानी है ना, रस्सी तो नहीं बजा रहे कि यार रस्सी को हम लोगों ने तान लिया और बजा रहे, ना 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 ना, ये पॉसिबल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास में टेंडेंसी होती है डिफरेंट सा साउंड प्रोड्यूस करने की जो कि हम म्यूजिक में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि दे प्रोड्यूसेस सोनो, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सोनोरिसिटी, ठीक है। तो मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, सो मेटल्स आर कॉल्ड सोनोरस। साउंड ऑफ मेटल इज ऑल्सो नोन एज मेटलिक साउंड, दिस इज द कॉज दैट मेटल वायर्स आर यूज इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देन आपके पास में होता है कंडक्शन, ऑफकोर्स कंडक्शन की बात करते हो, दो तरीके का कंडक्शन होता है बेटा। कंडक्शन हमारे पास में दो तरीके का होता है, एक होता है बेटा हीट, दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द कॉज दैट इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अगर आप लोगों ने जनरली देखा होगा हमारे घर में जो तार होते हैं, जो इलेक्ट्रिक हमारे जो भी कंपाउंड्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बीच में कनेक्शन के लिए हम लोग जनरली तांबे के
तार यूज करते हैं या एल्यूमिनियम के तार होते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी बेटर होती है. बट ऑफकोर्स अगेन मेटल्स है, केमिस्ट्री है, तो यार एक्सेप्शन तो होगा ही. लेड बहुत बेकार हीट का कंडक्टर होता है, ऑल्सो बहुत बेकार इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी होता है. ठीक है, मेलायबिलिटी की बात कर लेते हैं. मेलायबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जहाँ पर आप किसी भी मेटल को ठोक पीट के शीट में, पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये शीट्स जो है वो किसी नॉन मेटल की नहीं बन सकती. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो सबसे थिन लेयर होती है वो सोने की पन्नी की होती है. इफ़ यू रिमेंबर क्लास 9th रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, ही यूज्ड गोल्ड की पतली सी पन्नी. व्हाई? यार वो पतली सी पन्नी का रीज़न ही है कि मेटल्स इतनी ज़्यादा मलाइबल होती है कि तुम उनको ठोको ठोको ठोको, ठोकने के बाद वो इतनी पतली सी लेयर बना देती है कि आप बोल सकते हो बहुत एकदम बिल्कुल कपड़े जैसे भी सॉफ्ट कपड़े जैसी, या फिर लहराने लगती है, इतनी ज़्यादा पतली लेयर्स भी होती है. फॉर एग्जांपल, एल्यूमिनियम की फॉइल में रोटियाँ मम्मी पैक करके देती है, तो वो एल्यूमिनियम फॉइल है वो मेटल ही है एक्चुअल में, है ना, वो है तो मेटल ही जिसमें मम्मियाँ रोटियाँ पैक करके देती है. तो ये पॉसिबिलिटी सिर्फ मेटल्स में होती है. और दूसरी चीज़, हर कोई मेटल तो नहीं, ऑफ कोर्स हर कोई मेटल ज़्यादा मेलाइबल नहीं होती, मेलाइबिलिटी की भी हद होती है. आयरन के लिए मेलाइबिलिटी अलग हो सकती है, कॉपर की मेलाइबिलिटी अलग हो सकती है, स्टील बोल रही हूँ आपके पास में, गोल्ड की मेलाइबिलिटी अलग होती है, आपके सिल्वर की मेलाइबिलिटी अलग होती है. तो हर किसी मेटल की मेलाइबिलिटी भी डिफरेंट होती है, बिकॉज देर इज़ अ कॉज कि यार हमारे पास में जो भी मेटल्स होती है उनके बिहेवियर डिफरेंट होते हैं, वो हर कोई अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रही है. तो ऑफ कोर्स मेलाइबिलिटी भी अलग अलग होगी. गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलाइबल होता है, एंड देन सिल्वर, और फिर हम बात करते हैं अदर मेटल्स की. देन बात करते हैं बच्चा डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या होती है? इनको खींच करके इनके वायर्स बनाना. ठीक है, तो हम बात करते हैं मेटल्स आर डक्टाइल. दिस मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. अ वायर इज मेड ऑफ मेटल, मतलब मेटल्स के ही वायर बनते हैं. हमने कभी देखा नहीं सल्फर का वायर बना हो, हमने कभी नहीं देखा नाइट्रोजन के लंबे लंबे तार बना दिए गए हो. पहली बात तो ये कंडक्टर नहीं होते. दूसरी बात तो हमारे पास में नॉन मेटल जो होती है उनका हम यूज़ कर ही नहीं सकते. रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी मेटल्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है, और जो मेटल होती है वो हमें नेसेसरी जो भी नीड होती है वो कंप्लीट करती है. इसलिए हम लोग मेटल्स का ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हुए देखे होंगे. फिर बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ऑफ कोर्स मैंने बोला मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई. लाइक अगर आप बात करते हो आपके आयरन की, तो बेटा मोर देन 1700 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जब आप आयरन को टेम्परेचर देते हो तब जाकर वो मोल्टन स्टेट में आता है, यानी वो पिघलता है. वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे जाने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है भाई. 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो भाप में बदल जाता है ना, वो पूरा का पूरा वेपराइज हो जाता है. तो अब आप सोचो कि यार हमारे पास में जो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल हो करके स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वही कोई मेटल को अगर आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है. तो हम लोग बोल सकते हैं मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम मेटल्स विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसमें आप सीजियम को भी ऐड कर दीजिए. सीजियम एंड फ्रांसियम आर ऑल्सो द मेटल्स जिनको आप हथेली पर लेते हो तो बहुत जल्दी पिघल जाती है ना, तो ये उसी के एग्जाम्पल्स हैं. फिर बात करते हैं डेंसिटी. ऑफ कोर्स इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि मेटल्स जो होती है इनके पर यूनिट बोल सकते हो वॉल्यूम के अंदर द मास जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज़ नथिंग बट हम लोग शो करते हैं रो इज़ इक्वल्स टू हमारे पास में गिवन होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम. तो मास हमारे पास में जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम कैसा होता है? ज़्यादा होता है. किसके लिए? फॉर मेटल्स के लिए. तो अगर मेटल्स के लिए किसी यूनिट वॉल्यूम में जो मास है वो अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी जो होती है वो कैसी जाती है? इंक्रीज हो जाती है ना. हम लोग यहाँ पर डेंसिटी को डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप लोग डी से भी इसको शो कर सकते हो. तो डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के. तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास ज़्यादा है वही डेंसिटी. और मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी है कि इनकी डेंसिटी फॉर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है. कलर जनरली लाइक शाइन करते रहता है. ये लोग बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं लस्ट्रस होती है मेटल्स. ये पॉइंट मैंने शायद आपका यहाँ पर मिस कर दिया, बट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि मेटल्स जो होती है लस्ट्रस होती है. 11th नंबर का पॉइंट जो है हम लोगों ने मिस कर दिया.
लस्ट्रस होती है। मेटल्स कैसी होती है? लस्ट्रस होती है, बहुत ज्यादा शाइनिंग सरफेस होता है इनका। ठीक है, चलिए, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर, बट गोल्ड एंड कॉपर आर एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शंस है तो होते ही है। फिर बात करते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स अकर्स एज सॉलिड, लिक्विड, गैस एट द रूम टेम्परेचर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यार नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बहुत सिंपल सी होती है, कि रूम टेम्परेचर पर वो कैसी होती है, जनरली गैसियस स्टेट में होती है। अगर आप लोग देखो हमारे पास में जो नॉन मेटल की मैं बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, फ्लोरिन, क्लोरिन, यू हैव नियॉन, योर हीलियम, ये सभी के सभी है ना, वो कैसी होती है, एट रूम टेम्परेचर गैसियस स्टेट में होती है। सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, ईटीसी जो होते हैं वो थोड़े सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट ओनली एक जो हमारे पास में नॉन मेटल होती है वो लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर, दैट इज ब्रोमीन। यहाँ पे मेंशन नहीं है, हम लोग आगे मेंशन करेंगे एक्सेप्शंस में, बट यस, ब्रोमीन जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। फिर बात करते हैं दे आर ब्रिटल। हमने देखा कि मेटल्स मेलाइबल और डक्टाइबल, डक्टिलिटी दोनों उनमें प्रॉपर्टी होती है, यानी कि तुम तार खींच सकते हो और लंबे लंबे मतलब बढ़िया पतले पतले चादर इनको मतलब चादर में या शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। बट फॉर नॉन मेटल्स यहाँ पे कहानी अलग है, इनको तुम ठोकोगे पीटोगे ना तो ये चूर चूर हो जाते हैं, यानी कि इनको धक्का मारोगे ये टुकड़ों में टूट जाता है। तो इससे इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटल। तो ब्रिटल जो होती है ये इनकी प्रॉपर्टी है, जहां पर वो क्या जाता है, ठोकने पीटने पर या अगर हम लोग इनके ऊपर थोड़ा सा चोट मारते हैं तो चोट मारने से ही वो बहुत तेजी से बिखर जाते हैं। फिर बात करते हैं नॉन मेलाइबल। ऑफकोर्स इनकी शीट्स नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि अगर इनमें प्रॉपर्टी ही नहीं है कि ठोकने पीटने को ये सहन कर सके, ना ही ये हार्ड होती है, ना ही स्ट्रेंथ है इनके पास में, तो हम इस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से ब्रिटल बोलते हैं। और ये नॉन डक्टाइल भी होती है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि इनके तुम वायर्स बना लो, कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि इनके शीट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर नॉन सोनोरस। अगर आप ऑक्सीजन को, चलो मैं एक काम कर रही हूँ, मैं हवे में यहाँ पे हाथ घुमा रही हूँ, अगर यहाँ पे कोई मेटल होती और मैं ऐसे मेटल को मारती तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता, बट मैं हवे में यहाँ पे हाथ घुमा रही हूँ, ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन भी है, अब मैं हाथ घुमा रही हूँ, कैन यू हियर द साउंड? नहीं, हम नहीं सुन सकते, है ना, बंसूरी की बात नहीं कर रही हूँ, बट यस, हमारे पास में जनरली दे आर नॉन सोनोरस। फिर हम लोग बात करते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सेप्शन, जो कि मैंने एक ही पेज पर एक साथ में लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फॉर येलो कलर में जो लिखे हुए दैट आर फॉर मेटल्स के एक्सेप्शन, एंड ब्लू कलर में जो लिखा हुआ दैट आर नॉन मेटल के एक्सेप्शन। सबसे पहले बात करते हैं अल्कलाई मेटल। अरे भाई, इनका प्रॉब्लम ही यही होता है कि दे कैन बी कट यूजिंग बाय नाइफ, सिंपल सी बात है। तो हमने बोला इनके पास में ना स्ट्रेंथ होता है ना कुछ होता है, ये कैसी होती, जनरली दे आर जनरली द मेटल जो कि कैसी होगी, इनको आप चाकू से काट सकते हो। मर्करी इज लिक्विड मेटल, सॉलिड होती है मोस्ट ऑफ द मेटल, बट मर्करी जो होती है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेड एंड मर्करी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट को बिल्कुल भी अच्छे से अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते, एंड मर्करी एक्सपैंड्स सिग्निफिकेंटली फॉर द स्लाइटेस्ट चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि मर्करी ऑलरेडी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। आप सोच सकते हो कि मर्करी के पास में जो टेम्परेचर के लिए जो वेरिएशन होगा वो बहुत तेजी से होगा, उसके अंदर के जो प्रॉपर्टी होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके कोई भी एटम्स के बीच में, वो बहुत तेजी से क्या होता है, वेरी करता है, बिकॉज ऑफ कि ये इसके पास ये ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। गैलियम सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सीजियम होती है, दिस मेटल इज वेरी लाइक बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि आप इसको अपने हाथ पे रखते हो, अगर सीजियम को अपने हाथ पे रखोगे तो बहुत तेजी से मेल्ट हो जाती है, बट सीजियम इज ऑल्सो डेंजरस मेटल, हम डायरेक्टली हाथ पर नहीं रख सकते, बट येस। ओके, देन फॉर नॉन मेटल्स, तो ये आपके पास में नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। ओके, तो नॉन मेटल्स की जो एक्सेप्शंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट हैज लस्टर्स। आयोडीन एंड ऑल्सो आयोडीन इज अ लस्ट्रस नॉन मेटल, जबकि हम लोगों ने देखा कि नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, उनमें शाइन नहीं होता, वो ब्रिटल होती है, बट आयोडीन इज अ एक्सेप्शन। फिर बात करते हैं ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कोई डाउट
डायमंड कंडक्ट हीट एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. जनरली नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बहुत ही लो होते हैं, माइनस में भी होते हैं, क्योंकि आप खुद जानते हो यार लिक्विड नाइट्रोजन कितना है, -180 डिग्री सेल्सियस समथिंग कुछ इसका वैल्यू होता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम होता है, बहुत कम है भाई. -180 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड टेम्परेचर पे होती है, लिक्विड होती है, जबकि गैस किस पे होती है, हमारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, या गैसियस स्टेट में होती है. तो तुम सोचो कितना कम लोअर टेम्परेचर है इनका, है ना. तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही लो होता है, बट फॉर एक्सेप्शन ऑफ कोर्स हीरा जो है ओनली एक्सेप्शन जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है एंड ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉट इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है. ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो ये हमारे पास में एक्सेप्शंस थे. अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग लास्ट में या बाद में पढ़ेंगे. चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो केमिकल प्रॉपर्टीज की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली वो प्रॉपर्टीज होती है जहाँ पर हम रिएक्शंस करवा के देखते हैं कि अगर मेरे पास में कोई मेटल है तो किसी अदर चीज के साथ में कैसे बिहेव कर रही है, कैसे वो रिएक्ट कर रही है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट किस फॉर्म में जनरलाइज वे में मिल रहे हैं. जनरलाइज वे में मतलब जैसे मान लो हम बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन. रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज सिंपलेस्ट थिंग यू कैन लाइक अंडरस्टैंड कि यार हमारे पास में अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो मेटल्स क्या प्रोडक्ट बनाएंगी, अगर क्लोरीन से रिएक्ट हुआ तो क्लोरीन से रिएक्ट करने के बाद मेटल्स क्या प्रोडक्ट बनाएंगी, अगर मैंने एसिड से रिएक्शन करवाया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. तो दीज आर द बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज जहां हम हिट एंड ट्राई करके देखते हैं कि हमारी जो मेटल्स होती है वो किसी अदर के साथ में, अदर सब्सटेंस के साथ में, अदर कंपाउंड के साथ में, या किसी अदर एलिमेंट के साथ में कैसे रिएक्ट करके कैसा बिहेव करती है. दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी काइंड ऑफ मेटल और नॉन मेटल. तो बात करते हैं फॉर मेटल्स. अब दो चीज़ें आपको, दो से तीन चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ कि यार पहली बात तो ये वी ऑलरेडी समवेयर नो समवॉट नो कि यार व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज. एंड मैंने बोला कि अगर मेटल्स डिफरेंटली बिहेव करती है तो ऑफकोर्स केमिकल रिएक्शन भी वो डिफरेंटली ही करेंगी, इसमें किसी को डाउट, आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को कुछ भी डाउट होगा. क्योंकि यार मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि यार अगर मान लो आप एक ही फैमिली के मेंबर हो, मान लो आप एक ही फैमिली के मेंबर हो, आपके फैमिली में पापा मम्मी दीदी बहन दादा दादी बहुत सारे लोग रहते हैं, बट आपको पता है कि एक ही फैमिली के अंदर अगर 10 लोग भी है तो वो 10 लोग डिफरेंट बिहेवियर के होते हैं ना, ऐसा होता है. तो why not metals? अगर metal को भी same ही comparison में डालो तो हमारे पास में metal की family, अगर मैं बात कर लूँ तो metal की family में भी different तरीके की metals जो होती है वो differently react करती है, या हर कोई metal अलग अलग तरीके से behave करती है. तो ये behavior जो होता है किसी का अलग होता है, किसी का different होता है, तो उसको हम लोग categorize करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं reactive metals या most reactive metals, मीडियम रिएक्टिव मेटल एंड लेस रिएक्टिव मेटल. तो हमारे पास में मेटल्स की जो कैटेगराइज होती है बेटा, जो मेटल की कैटेगरी है, तो मेटल्स को भी हम लोगों ने तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है, एक मोस्ट रिएक्टिव, एक मीडियम रिएक्टिव और एक तीसरी होती है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो. तो मैं एक जनरलाइज चीज यहाँ पर कर देती हूँ कि आप लोगों को बता दूँ, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर मेटल्स को कैटेगराइज कर देते हैं क्योंकि हर कोई बेटा रिएक्शंस डिफरेंट होती है. तो हम लोग मेटल्स की रिएक्टिविटी तीन फॉर्म में पढ़ेंगे एंड दैट थ्री फॉर्म्स आर. पहला फॉर्म मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास में मेटल्स है, इनको तीन तरीके से कैटेगराइज किया है मेरे पास में. द फर्स्ट वन इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स. एक होती है सबसे लेस रिएक्टिव मेटल्स. और एक होती है आपके पास में मीडियम रिएक्टिव मेटल. कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदाजा तो होगा कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स वो मेटल होती है जो कि
चुटकी बजाते से ही रिएक्शन में परफॉर्मेंस दे देती है, रिएक्शन कर लेती है. फॉर एग्जाम्पल योर पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, है ना. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, योर एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम. दीज आर ऑल कॉल्ड मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स. मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स बहुत हाईली तेजी से रिएक्शन करती है, एंड रिएक्शन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है लगभग इनका एक जैसा होता है. एक जैसा मतलब कि जैसे मान लो कि मैंने बोला रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो इनका जो रिएक्शन होकर के ये ऑक्साइड्स ही फॉर्म करेंगे. हम लोग पढ़ेंगे आगे, बट मैं बोल रही हूँ कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स लगभग एक जैसा रिएक्शन करके एक जैसा प्रोडक्ट देने की कोशिश करती है. बट फॉर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स में हम लोग जाते हैं, तो लेस रिएक्टिव जो मेटल्स होती है वो जनरली अगर देखा जाए तो लिटरली बहुत कम रिएक्ट करती है या बिल्कुल भी नहीं करती है. तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सोसो, यानी बहुत रिएक्शन भी नहीं करती, और अगर करती है तो बहुत थोड़ी सी करती है ना. तो हम लोग यहाँ पर लिखे लेस रिएक्टिव मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल योर गोल्ड, सिल्वर, योर कॉपर, मर्करी, सॉरी मर्करी, है ना. ऑल्सो प्लेटिनम, ETC, आर्सेनिक वगैरह भी इसी कैटेगरी में आते हैं. तो दे आर लेस रिएक्टिव मेटल्स. एंड फिर आती है आपके पास में मीडियम रिएक्टिव. फॉर एग्जांपल मीडियम रिएक्टिव का एग्जांपल आपके पास में आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है. एंड ऑल्सो आप इसमें ऐड कर सकते हो योर लेड, जिंक, एल्यूमिनियम. दीज आर कॉल्ड मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट. एल्यूमिनियम जो है इसको हम लोग मीडियम और इसके बीच में रखते हैं. बेसिकली क्या होता है ना कि कई बार हम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को बोलते हैं कि यार दे आर कभी कभी मोर रिएक्टिव, कभी कभी लेस रिएक्टिव. तो हम लोग इसको ऐसे कैटेगराइज कर चुके हैं. नाउ अब हम लोग जो भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे उनको तीन फॉर्मेट में पढ़ेंगे, कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कैसे परफॉर्म करते हैं, मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स कैसे परफॉर्म करती है, और सबसे लास्ट में हम लोग समझेंगे कि लेस रिएक्टिव जो मेटल्स होती है वो कैसे परफॉर्म करती है. अब चलिए वन बाई वन तीनों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन. तो फॉर मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगी तो ये फॉर्म करती है मेटल के ऑक्साइड्स को. इसमें किसी को कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ है तो नहीं. क्योंकि यार जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला कि फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम, सोडियम मैं क्या कर रही हूँ, मैं तीन तरीके के एलिमेंट ले रही हूँ. मैं कोई एक एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव मेटल से लूँगी, कोई एक एलिमेंट मीडियम रिएक्टिव मेटल से लूँगी, एंड कोई एक हम लोग लेंगे लेस रिएक्टिव से, ठीक है. तो चलो ट्राई टू अंडरस्टैंड. सोडियम जब रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन, तो सोडियम रिएक्शन के बाद फॉर्म करता है Na2O. बैलेंस कर सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन दो है तो हम लोग यहां पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. नाउ सोडियम विल अपडेटेड विद 4. ओके, 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट और आपके जो रिएक्टेंट्स है दोनों में इक्वल है. अब हमारा जो मैंने आपको बताया कि यार हमारे पास में जो सोडियम होती है, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट. तो जैसे ही आप इसको हवा में रखते हो ना, सोडियम लिटरली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है विद ऑक्सीजन. तो आप जैसे ही इसको एयर में लेकर के आते हो, एयर के आसपास की जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट करती है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये हीट भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है. तो ये एक बहुत ही नॉर्मल जनरलाइज चीज़ होती है कि हम सोडियम मेटल की रिएक्टिविटी देख करके इन्हें केरोसिन में रखना पड़ता है. क्यों केरोसिन में रखना पड़ता है? क्योंकि सोडियम मेटल काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है. एयर से कनेक्शन तोड़ने के लिए हम इसको जनरली या तो पैराफिन के अंदर लपेट के रखते हैं. तो सोडियम जो आप मार्केट में खरीदते हो ना, उस पर पैराफिन या मोम की बहुत बड़ी परत होती है, मोटी सी परत होती है, उसके अंदर सोडियम स्टोर की जाती है, या फिर जनरली केरोसिन के अंदर से लैबोरेटरीज में रखा जाता है. तो रीज़न इसका यही होता है कि यार बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, तो रिएक्शन करके फटाफट ये सोडियम ऑक्साइड बनाती है, ठीक है. तो ये सोडियम ऑक्साइड है, दैट इज आपका मेटल का ऑक्साइड, है ना. तो ये नाम क्या होगा इसका? सोडियम ऑक्साइड प्लस हीट. हीट
एक्सेस अमाउंट में निकलती है, ठीक है, और ये काफी एक्सेस अमाउंट में निकलती है बच्चा कि कई बार यहाँ पे ब्लास्ट भी हो जाती है, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट की, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक। जिंक जो है या आपके पास में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बनाता है जिंक ऑक्साइड। अब जिंक जैसी मेटल हो गई, या फिर हम बात कर लेते हैं आयरन जैसी मेटल होती है, तो इनका जो चूरन होता है ना, चूरन, इनके चूरन को हम लोग गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैग्नीशियम रिबन की मैं बात करूं, मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं, हम लोग जलाते हैं। तो फॉर मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट हमें जिंक हो गया या फिर आयरन वगैरह जो होता है, इनका जो चूरन होता है ना, चूरन, तो इनकी जो छीलन होती है, चूरन होता है, इनको हम लोग जलती हुई ज्वाला पे, या फिर हम लोग बोलते हैं कि जो जलती हुई लौ होती है उसके ऊपर छोड़ते हैं, तब रिएक्शन करके ये ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। जनरली जो रखे रखे ना, अगर आप जैसे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की बात करो, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम रखे रखे अपने ऊपर एक छोटी सी पतली सी लेयर बना लेती है ऑक्साइड के साथ में, बट दैट प्रोसेस इज स्लो। बट फॉर अगर आप चाहते हो कि हमें फटाफट रिएक्शन चेक करनी है, तो आप मैग्नीशियम के रिबन को बर्न कर दो, आप लोग जो एल्यूमिनियम है उसको बर्न कर दो, आप आयरन के जो चूरा होता है, जो बुरादा होता है, उसको जला दो। तो ऐसे भी करके आप क्या कर सकते हो, मेटल के ऑक्साइड्स प्राप्त कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूं, जैसे जनरली जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है वो रिएक्शन में परफॉर्मेंस नहीं देती है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो हम लोग बात करते हैं बेटा थर्ड नंबर पे, मैं यहां पे ले रही हूं फॉर कॉपर। तो कॉपर जनरली ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, बट अगर आप कॉपर को क्या करते हो, गर्म करते हो, हीट अप करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप कॉपर को गर्म करते हो, तो हमें क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि CuO, एंड कॉपर ऑक्साइड जो होता है ये ब्लैक कलर की कोटिंग में हमें दिखाई पड़ता है, कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग जम जाती है, दैट इज योर कॉपर ऑक्साइड। अब बात करते कॉपर ऑक्साइड की, बैलेंस जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शंस होती है, बट सोना हो गया, चांदी हो गया, ये जनरली रिएक्शन नहीं करते विद ऑक्सीजन। तो हम लोगों ने तीन डिफरेंट जो हमारे पास में कैटेगरी थी, मोस्ट रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिव, एंड आपके पास में जो सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनकी बात करी। तो इनको हम लोग को क्या करना पड़ता है, हीटअप यानी गर्म करना पड़ता है, ठीक है, फॉर रिएक्शन। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब बात करते हैं मेटल ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है, जो बिहेवियर होता है, वो एक्चुअल में कैसा होता है। तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं जनरली बेसिक इन नेचर, यानी कि अगर मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाती हूँ, या हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में हमारी जो एक्टिविटी है तो इस एक्टिविटी में हमें बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन, तो बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन का फंडा क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन बेसिकली नथिंग, तुमको मैंने बताया कि पोटेशियम सोडियम तो बहुत तेजी से फटाफट रिएक्शन मार लेती है, लेकिन फॉर मैग्नीशियम रिबन यहां पे प्रोसेस थोड़ी सी स्लो होती है। स्लो मतलब कि जैसे कि मैंने बोला कि ये रखे रखे ऑक्सीजन की लेयर या ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर जमा लेती है, और हमने चैप्टर 1 में समझा भी है कि हमें जलाने के पहले मैग्नीशियम के रिबन को घसना पड़ता है, ताकि हम सैंड पेपर से घस के उसकी ऑक्साइड लेयर हटा दें और हमें प्योर मैग्नीशियम मिल जाए। तो बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जो कि आपसे कई बार करवाई जाएगी। तो यहां पर जो आप बर्निंग करते हो मैग्नीशियम रिबन को, तो ये बच्चा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है MgO, इसका हमें व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है, पाउडर बोल सकते हो, या इसको बोल सकते हो व्हाइट एश मिलती है, राख मिलती है हम लोग को, है ना। तो व्हाइट कलर की हमको ऐश मिलती है, राख मिलती है। तो ये जो व्हाइट राख हमें जो मिली है, तो हम इसको वेस्ट समझ के फेंकेंगे नहीं, है ना। जनरली जो हमें व्हाइट कलर की जो राख मिलती है, दैट इज योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम चेक करेंगे कि यार ये ऑक्साइड कैसा होता है। सो फॉर दैट हम इस मैग्नीशियम के ऑक्साइड को क्या करेंगे बच्चा, आपको पता है कि जब भी हम कोई भी टेस्टिंग करते हैं कि यार नेचर कैसा है या बिहेवियर कैसा है, उसके लिए हमें इसे पहले पानी में मिलाना पड़ता है। तो हम जब इसको पानी में मिलाएंगे, यानी वाटर में इसको मिलाएंगे, मिक्सअप करेंगे, हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस,
यहां हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जो कि डायरेक्ट मिलेगा आप लोगों को। एंड अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट करोगे बाय रेड लिटमस पेपर, तो यार जो रेड लिटमस होता है वो रेड लिटमस को क्या कर देता है, वो ब्लू कर देता है। दैट ब्लू कलर इज शोइंग कि हमारे पास में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मिला है, दैट इज कैसा कलर है इसका, ये एक प्रकार से बेसिक इन नेचर हो जाएगा। समझे, अंडरस्टैंड दिस, छोटा सा चीज है, फंडामेंटल चीज है, ठीक है। यानी कि अगर तुम सोडियम का ऑक्साइड देख लो, चाहे तुम पोटेशियम का ऑक्साइड देख लो, चाहे तुम एल्यूमिनियम का ऑक्साइड देख लो, सबका हाइड्रोक्साइड ही बनना है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल के बेटा क्या होते हैं, घुलनशील, यानी कि पानी में घुले हुए ऑक्साइड आपको मिलेंगे। और जो पानी में घुलने वाले ऑक्साइड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से वो कैसे हो गए, बेसिक इन नेचर। तभी हम लोग बोलते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो बेस फॉर्म करते हैं एंड नॉन मेटल एसिड फॉर्म करती है। अगर आप लोगों को याद हो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के अंदर हमने ये दो चीजें बहुत अच्छे से फ्रंट करी थी कि अगर आपके पास में मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं या मेटल होते हैं तो वो बेस को फॉर्म करते हैं एंड जो नॉन मेटल्स होती है वो एसिड बनाते हैं। तो ये दोनों मेन मेजर डिफरेंस है जो कि आपको दिमाग में हमेशा रहने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। यार अब ये लफड़ा थोड़ा सा अलग है इनका, इनकी कहानी ही थोड़ी कहानी अलग होती है। एंड ये एग्जाम में क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते हैं एंड दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर आपको पढ़ना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना। कहां लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। So, some metal oxides such as aluminum oxide, zinc oxide shows both acidic as well as basic behavior, such as metal oxide which reacts with both acids as well as base to produce salt and water are known as amphoteric oxides, and this is important. This is important. Why this is important? चलिए बात कर लेते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, एक थोड़ा logic बताना, मुझे एक लॉजिक बताना। अगर मेरे पास में Na2O है एंड वो HCl से रिएक्ट करे और सेम Na2O को मैंने अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला, तो एक जनरलाइज चीज बताओ मुझे कि कौन सी रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो आप बोलोगे मैम ये वाली रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होगी एंड जनरली ये वाली परफॉर्म नहीं होगी। और परफॉर्म होगी भी तो Na2O जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ये बेसिक इन नेचर होता है। HCl जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, वो एसिड इन नेचर होता है। तो जब दो दो रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलने वाला है सॉल्ट प्लस वाटर हमें मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, अगर आप लोग ध्यान से नोटिस करो। बट अगर मैंने यहाँ पर बोला कि Na2O है या KOH है, तो आपको ऐसा कुछ आइडिया क्या मिलने वाला है, तो आप जनरली बोलोगे मैम ऐसा कुछ हमें सॉल्ट तो नहीं मिलने वाला। आप लोग बोलोगे मैम हमको सॉल्ट प्लस वाटर तो नहीं ही मिलेगा, अगर रिएक्शन हो भी गई तो सॉल्ट एंड वाटर नहीं मिलेगा। तो हमें एक बात बताइए, कौन सी रिएक्शन है जहां पर हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो यू ऑल नो दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है, यानी कि जब एसिड बेस से मिलता है तभी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, यही होता है ना, यही चीज होता है। बट अगर इफ आई जस्ट चेंज द कंपाउंड हियर, मैंने Na2O नहीं लिया, मैंने कुछ मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक मैंने जिंक एंड एल्यूमिनियम के कुछ ऑक्साइड्स ले लिए। अब मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट क्या था मेरा कि मैंने यहाँ पर Na2O नहीं लिया, Na2O नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी वी नो दैट कि बेसिक है, ठीक है। मैंने बस ऑक्साइड चेंज कर लिया, तो मैंने एक दूसरा ऑक्साइड लिया है एंड दैट ऑक्साइड इज एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा, Al2O3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ने जब रिएक्शन करी, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ने जब रिएक्शन करी, तो यहां पर वो बिहेव कर रहा है। अगर आपके पास में एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को अगर आप एसिड से मिलाते हो, तब वो बिहेव कर रहा है एज ए बेसिक, यानी वो बेस बिहेव कर रहा है कि यार मैं बेस हूं। अगर तुमने मुझे एसिड में डाला है तो मैं बेस की तरह काम करूंगा एंड बनाऊंगा यहाँ पे सॉल्ट। तो सॉल्ट आपका पता है आपको क्या बनने वाला है, तो सॉल्ट यहाँ बनेगा आपका AlCl3। इसमें किसी को डाउट है, हमारे पास में बनेगा AlCl3, बैलेंस जरूर कर दीजिएगा इसको, बैलेंस नहीं है हमारे पास में ये, ठीक है। तो आप लोग जब बैलेंस करोगे तो हमारे पास में एल्यूमिनियम 2 है, क्लोरीन हमारे पास में 3 है, तो लेट्स बैलेंस्ड इट विथ डिफरेंटली
या हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए, एससीएल के सामने मैंने 3 लगा दिया, तो क्लोरीन 3 है, तो मुझे एक्चुअली में चाहिए कि यार थोड़ा वो रहे, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लिकेशन किया एंड यहाँ पे मैंने 3 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो एल्यूमिनियम मेरे पास में क्लोराइड जो है सामने कितना हो जाएगा, ओके तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ बाय 2, ओके तो ये ठीक है, ओके तो Al2O3 प्लस 6HCl रिएक्शन करके 2 एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड, तो 6 हमारे पास में क्लोरीन है एंड H2 के सामने आप लोग क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 3, है ना, आप 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ऑक्सीजन 3 से अपडेट हो जाएगी एंड दिस इज योर बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर दिस। तो मैंने क्या बोला, एक बहुत सिंपल सी चीज़ बोली कि यार आपका जो एल्यूमिनियम होगा, ये एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है एज अ बेसिक, जब हमने इसमें क्या डाला, हमने डाला इसमें एसिड, हमने जब इसको किसी एसिड के साथ में मिक्स किया तो ये बिहेव करेगा कि यार मेरा नेचर कैसा है, बेस है, और अगर गलती से मैंने इसको किसी, मान लीजिए मैंने सेम Al2O3 को किसी बेस के साथ में मिक्स किया, जैसे कि NaOH, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सबको पता ये बात, तो यहां पे कहानी जो है थोड़ी सी पलट जाती है। नाउ यहां पे ये बिहेव करेगा, ये ऑलरेडी बेस है तो बेस के साथ में बिहेव करेगा कि भाई मैं तो एसिड हूं, यानी ये दोगलापन दिखा रहा है, ये क्या कर रहा है, दोगलापन दिखा रहा है, मतलब कि ये दो बातें कर रहा है एक ही टाइम पर, बोल रहा है कि यार कभी कभी मैं ना मैं एसिड जैसा काम करता हूँ, कभी कभी मैं बेस जैसा काम करता हूँ, तो उस दोनों ही मोमेंट पे हमारे पास में रिएक्शन करके ये बनाएगा NaAlO2, इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट साथ में यहाँ बनाता है वाटर, तो अगर आप लोग नोटिस करो ये भी एक सॉल्ट ही है बेसिकली, ये भी एक टाइप ऑफ सॉल्ट ही होता है और यहाँ पे बना है वाटर। तो मुझे एक बात बताओ, सॉल्ट एंड वाटर कब बनता है, जब न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन ही तो हुआ है, यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन हुआ, तो इन दिस मैथड जहाँ पर हमारे पास कुछ ऑक्साइड्स मेटल के बेसिक नेचर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, समटाइम्स दे शो एसिडिक नेचर टू, उससे हम लोग बोलते हैं उन ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और यही आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, घुमा घुमा के देंगे बट यस। इसके अलावा जिंक का जिंक एल्यूमिनेट बनता है Na2ZnO2, ठीक है, तो यू शुड जस्ट रिमेंबर दैट। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड एंड बेसिस, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फटाफट, तो हमारे पास में नाउ है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सो अब हम थोड़ा सा, ओके ये मैंने बैलेंस नहीं किया क्या, यहाँ पे ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमारे पास में लिखी हुई है, आगे बढ़ते फटाफट से। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, अब ये रिएक्शन इज डिफरेंट विथ सामने वाली रिएक्शन। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बोला कि हमारे पास में 3 रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हम लोगों ने 3 तरीके से कैटेगराइज किया है, मोस्ट मीडियम एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होती है वो फटाफट रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड्स बनाती है, मीडियम रिएक्टिव जो होती है वो ऑक्साइड्स बनाती है, और लेस रिएक्टिव रिएक्शन ही नहीं करती। चलो तो वाटर से 3 तरीके से रिएक्शंस होती है, पहली जो है बच्चा आपके पास में कि मेटल्स फॉर्म्स रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विद वाटर, बट इट इज ट्रू फॉर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, याद रखना दिस इज ओनली ट्रू फॉर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, दिस इज ओनली ट्रू फॉर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि सोडियम पोटेशियम, है ना, योर कैल्शियम, दैट्स इट। तो मेटल प्लस वाटर रिएक्शन करके बनाते हैं मेटल के हाइड्रोक्साइड और निकालते हैं हाइड्रोजन गैस, जैसे सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, सोडियम ने जब रिएक्शन करी वाटर के साथ में, तो जनरली ये जो वाटर होता है बेटा कोल्ड वाटर होता है, याद रखना ये कैसा होता है, कोल्ड वाटर होता है। कोल्ड वाटर रिएक्शन करके क्या बनाएगा, यहाँ पर रिएक्शन करके बनाएगा आपके पास में NaOH, बट NaOH के पहले ये बनाता है Na2O और निकालता है हाइड्रोजन गैस, यस।
ये प्रोसेस दो स्टेप में होती है। जब आप पानी में सोडियम को डालते हो, सबसे पहला काम जो होता है बेटा स्टेप वन, वो होता है आपके पास में कि ये बनाता तो पहले ऑक्साइड ही है। यस, जो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन होती है उससे पहले रिएक्ट करता है, जो वाटर के अंदर की ऑक्सीजन होती है उससे पहले रिएक्ट करता है, फिर ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। तो वहाँ पे बच्चा फिर आपके पास में अगेन जो Na2O होता है वो रिएक्शन करता है फिर वाटर के साथ में, और फिर हमें देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो हम क्या करते हैं ना, इन दोनों को जब कंबाइन करके लिखते हैं, तो स्टेप वन एंड स्टेप टू को जब हम लोग कंबाइन करके लिखते हैं तो हमारे पास में जो फाइनल स्टेप आती है वो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, एंड दैट फाइनल इक्वेशन इज लाइक Na प्लस H2 रिएक्शन करके बनाती है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो अब आप लोग भी बहुत इजीली देख सकते हो, मेरे पास में सोडियम ने जब पानी में रिएक्शन कराया, पानी के साथ में जब हमने डाला, तो पहले क्या होता है बेटा, पहले तो ऑक्साइड ही फॉर्म होता है, जनरली पहले ऑक्साइड फॉर्म होता है एंड फिर वहाँ पे धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस निकलती है, और यहाँ पे बहुत तेज़ी से बेटा प्रोड्यूस होती है हीट। यहाँ पे क्या होती है, बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस होती है हीट, और वो हीट इतनी एक्सेस अमाउंट में होती है कि जो निकली हुई हाइड्रोजन गैस होती है इसमें ब्लास्ट हो जाता है, ये जल जाती है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से क्या होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो सोडियम प्लस वाटर मिल करके बनाएंगे NaOH प्लस H2 गैस बाहर निकल रही है। यू नीड टू बैलेंस इट अगेन। तो बैलेंस करने के लिए आप लोग जनरली ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से 2 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो आप लोग 2 का, है ना, ये तो सी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2 का एंड यहाँ पर भी 2 का। तो 2 सोडियम प्लस 2 हाइड्रो जल के वाटर के मॉलिक्यूल रिएक्शन करके बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 सोडियम, सो इट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बट फॉर सम अदर मेटल्स, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेटल्स की रिएक्शन जो होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, तो मैंने बताया कि पहली जो है आपके पास में बताई मैंने वो दैट इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल थी, बट विथ कैल्शियम थोड़ा सा कहानी डिफरेंट होता है, विथ मैग्नीशियम कहानी डिफरेंट होता है, विथ जिंक और आयरन कहानी टोटली डिफरेंट होता है। तो हमें इनको वन बाय वन समझना पड़ेगा, वन बाय वन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि कैल्शियम जो होता है वो पानी के साथ में रिएक्ट करता है, बट दैट इज कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर में रिएक्ट करता है। कोल्ड वाटर में रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, अपने साथ में सेम वही प्रोसेस है, ये बनाने वाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस प्लस निकलेगी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो अब हुआ क्या, सब लोग ध्यान से नोटिस करना, द वन थिंग यू हैव टू नोटिस दैट कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बेसिकली होता क्या है कि मान लो ये आपके पास में एक बर्तन है, आपने क्या किया कैल्शियम के जो पार्ट से वो डाल दिए, बेसिकली कैल्शियम के टुकड़े आपने डाल दिए, तो क्या होता है ना कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है तो कैल्शियम के चारों तरफ इस तरीके से हाइड्रोजन के बबल्स इकट्ठा हो जाते हैं, और इसके कारण कैल्शियम जो होता है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई डू कैल्शियम फ्लोट वाइल रिएक्टिंग विथ वाटर, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, क्योंकि कैल्शियम के चारों तरफ जब रिएक्शन होती है वाटर से तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, एंड हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो कैल्शियम के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण कैल्शियम लाइट हो जाता है और हल्का होने के कारण वो पानी में तैरने लगता है। तो ये आपको बताना है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में, और जो वन चीज़ यहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होती है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये ऑल जहाँ पर हीट निकल रही है बेटा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। बट बात करते हैं फिर बच्चा आपके पास में दो अदर मेटल है, दैट इज योर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती, मैग्नीशियम जो होती है वो रिएक्ट करती है बच्चा आपके पास गर्म पानी से, यानी कि हॉट वाटर। पहली चीज जो यू हैव टू नोटिस कि मैग्नीशियम ठंडे पानी से नहीं गर्म पानी से रिएक्ट करती, यानी कि अगर आपने ठंडे पानी में मैग्नीशियम डाल भी दी तो उसकी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि मैग्नीशियम को चाहिए गर्म पानी। तो गर्म पानी में रिएक्शन करके वो क्या करती है, वो बनाती है अगेन सेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस प्लस निकालेगी हाइड्रोजन गैस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सोथर्मिक ही रहेगी,
नाउ बात करते हैं इसके अलावा अब जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है जैसे कि आयरन. तो आयरन जो होता है वो डायरेक्टली ना ही कोल्ड वाटर से ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है स्टीम से, यानी कि H2O को यूज करता है एज अ गैसियस स्टेट. गैस मतलब कि स्टीम से ये क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करने के बाद ये बनाता है Fe3O4. दिस इज अ डिफरेंट. बच्चे गलती करते हैं जनरली Fe2O3 लिख देते हैं, बट नहीं, यहाँ बनता है Fe3O4. दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आयरन जो होता है वो डायरेक्टली रिएक्ट करके ये बनाता है. तो आप लोग उसको बैलेंस जरूर कर लेना, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है. डिफरेंस देखो यहाँ पर कि यहाँ बन रहा है आयरन का ऑक्साइड, यहाँ क्या बन रहा है आयरन का ऑक्साइड बन रहा है, जबकि यहाँ क्या बन रहा है हाइड्रोक्साइड बन रहा है. यू कैन सी हमारे पास जो रिएक्टिव मेटल है वो हाइड्रोक्साइड्स बना रही है, जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है वो ऑक्साइड्स बना रही है. तो दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं, उनको लगता है कि आयरन का भी हाइड्रोक्साइड बनता है, सो दिस इज नॉट ट्रू. नाउ वॉट हमको बस इसको बैलेंस करना है. यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपके पास ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए. हाइड्रोजन गैस 2 है, यहाँ पर आप 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए. नाउ इट इज़ बैलेंस, आई थिंक सो, आई होप सो इट इज़ बैलेंस. तो 4, 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 3 आयरन, इट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू शुड रिमेंबर दिस. एग्जाम में कई बार पूछते हैं, ठीक है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि क्या बनता है क्या नहीं बनता है, तो आपको पता होना चाहिए फेरिक ऑक्साइड विद हाइड्रोजन गैस. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से. इसके बाद जो हमारी मेन रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूटेड एसिड. डाइल्यूटेड एसिड का मतलब होता है आपके पास में कि यार जो एसिड के पास में हाइड्रोजन आयन थोड़े कम होते हैं, लेस होते हैं. तो जब भी मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करती है, मेटल एक सॉल्ट बनाएंगी, हाइड्रोजन बनाएंगी. दैट मीन्स हमारे पास में कुछ मेटल्स होती हैं जैसे कि सोडियम. सोडियम अगर मान लीजिए HCl से रिएक्ट करती है तो ये बनाएगी NaCl प्लस निकालेगी हाइड्रोजन गैस. यहाँ पर आपको दो चीज़ें जो रिमेंबर करनी है कि वाटर के साथ में रिएक्शन होने पर भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, और अगर ये किसी एसिड से रिएक्ट करती है तब भी हाइड्रोजन गैस निकालती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी मेटल होती है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन वो डिस्प्लेस कर देती है. दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जिसको नहीं पता उनको बता देती हूँ बेटा, दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म हो रहा है, यानी कि हमारे पास में जो NaCl है वो फॉर्म हुआ, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है. यू नीड टू बैलेंस डीट मल्टीप्लाइड बाय 2 इन बोथ साइड. सेम बच्चा अगर आपके पास में मान लीजिए कि हमारे पास कोई अदर मेटल भी होती है, अगर वो रिएक्ट करती है विद डायल्यूटेड एसिड तो वो ऑलवेज हाइड्रोजन गैस निकालेगी. जस्ट रिमेंबर वन पॉइंट कि जो पर जैसे मान लीजिए रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता है कि ओके, सो दिस इज अवर रिएक्टिविटी सीरीज. ये रिएक्टिविटी सीरीज बेटा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये कैसे लिखी है मैंने, सारी रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो यहाँ पर यू हैव टू नोटिस दैट पॉइंट जहाँ पर हाइड्रोजन मैंने मेंशन किया हुआ है. यहाँ पे इस पॉइंट पे सब लोग नोटिस करो, दिस इज योर हाइड्रोजन. तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा तब परफॉर्म होगी जब ऑलवेज मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, किसी सॉल्ट से रिएक्शन करता है. तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि यार हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव जो भी मेटल्स होगी, ये जितनी भी मेटल्स होती है ये H2 गैस प्रोड्यूस करके सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगी. समझो इस चीज को, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव जो भी हमारे पास में एलिमेंट है वो क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस निकाल करके सॉल्ट बनाएंगी. बट आफ्टर दिस कॉपर योर मर्करी योर AgAu ये रिएक्शन नहीं करती, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. तो फिर क्या करें,
अगर अब ये रिएक्ट एसिड से नहीं करता तो फिर क्या करें भाई, केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन बहुत जरूरी होते हैं ना, बिना एक्सेप्शन की केमिस्ट्री चलती है क्या? नहीं चलती। तो वन मोर आपके पास में एक्सेप्शन होता है, योर नाइट्रिक एसिड। यस, ये थोड़ा सा सरका हुआ एसिड होता है। तो जनरली जो एसिड्स होते हैं, जैसे डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के लिए ट्रू है। दिस होल्ड्स फॉर ट्रू फॉर योर सल्फ्यूरिक एसिड, या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर H2SO4 एंड फॉर HCl, दोनों के डाइल्यूटेड वर्जन में ये पॉसिबल तो नहीं हो पाता, बट फॉर नाइट्रिक एसिड इट इज़ पॉसिबल। नाइट्रिक एसिड में यहाँ पर जो होता है, ये बहुत ही तेज़ी से, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, जो धातु जो मेटल नहीं भी रिएक्ट करती है ना, उनको रिएक्ट करने पर मजबूर कर देते हैं, ये इनकी पावर होती है। तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन नाइट्रिक एसिड के साथ में मेटल्स को ट्रीट किया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती तो फिर कौन सी गैस निकलेगी? तो यहाँ पर निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बात करते हैं बच्चा, बेसिकली जो आपके पास में नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड इन टू वॉटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, लाइक नाइट्रोस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बेसिक N2O3 नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड यहां पे ये हटा देना, ये ब्रैकेट हटा देना, ठीक है, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आर नोन एज नोबल मेटल, दिस डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूटेड एसिड्स। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इज इन द ऑर्डर। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यार जो भी आपके पास में मेटल्स होती है वो कैसी होती है, वो डिफरेंटली रिएक्ट करती है, वो डिफरेंट लाइक डिफरेंट टाइप के एसिड के साथ में डिफरेंट बिहेव करती है, डिफरेंट रिएक्ट करती है। जैसे कि मैंगनीज के साथ में मान लीजिए रिएक्शन हुई है ना, जैसे मान लो कि सबसे पहले मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में मैंगनीज के साथ में रिएक्शन हो रही, तो मैंगनीज जब नाइट्रिक एसिड के साथ में HNO3 के साथ में रिएक्शन करता है तो ये सेम ही रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन सेम करेगा, ये बनाता है NO3। तो बेसिकली यहाँ पर निकलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो ये बनाता है मैंगनीज नाइट्रेट, ठीक है। तो यहां पे रिएक्शन में कुछ खास चेंजेस नहीं होते, ये रिएक्शन एज इट इज ही होती जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ठीक है, नो चेंज, कुछ कुछ ऐसा दिक्कत नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ कॉपर वगैरह की, या फिर मैं बात करती हूँ किसी अदर मेटल की, तो यहां पर बहुत ही खतरनाक चेंजेस होते हैं। तो भाई ये हमारे पास में मैंगनीज की रिएक्शन थी विथ HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। लेकिन अब बात करते हैं सम अदर मेटल्स की। तो जैसे आप लोगों ने देखा वहाँ पे लिखा हुआ, साफ साफ हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, ये निकली हुई जो हमारे पास में जो H2 रिलीज होती है, जब मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करती है तो वहाँ पे जनरली वो हाइड्रोजन गैस को रिमूव करती है। तो जो रिमूव हुई हाइड्रोजन गैस होती है वो सीधा ऑक्सीजन से जाके ऑक्सीडाइज हो जाती है एंड वो फॉर्म करती है वाटर मॉलिक्यूल, एंड जो नाइट्रेट है वो टूट जाता है किसमें, आपके नाइट्रोजन के NO2 में, इसमें ATC में टूट जाता है। तो ये नाइट्रोजन के किसी एक ऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो पूरी की पूरी ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग बोलते हैं कि नाइट्रोजन जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है वो टोटली डिफरेंट रिएक्शन करता है विद सम डिफरेंट मेटल्स। चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं विद कॉपर। तो कॉपर का एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कॉपर आपको पता है मेटल, तो जब HNO3 के साथ में कॉपर रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करके ये क्या करेगा, ये बनाता है, सबसे पहला पॉइंट है कॉपर नाइट्रेट। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं, डाउट कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट बनेगा विच इज अ सॉल्ट। तो कॉपर नाइट्रेट आपके पास बन गया एंड ये आपका सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ है। बट जैसे हमारे पास में थ्योरी दी गई है कि यार नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने हाइड्रोजन को यहां से निकाला, इसमें किसी को डाउट, यहां से इसने हाइड्रोजन को रिमूव किया, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं, हाइड्रोजन तो रिलीज हुई बट क्या हुआ, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिमूव्ड हाइड्रोजन के साथ में इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को जोड़ दिया, यानी कि यहां पे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, ये बन गया आपके पास में वाटर। साथ में अब ये जो नाइट्रेट है वो अगेन ब्रेक डाउन होगा इन एनी ऑक्साइड, जनरली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में होता है, क्योंकि जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन कलर की फ्यूम जो है वो हमें प्राप्त होती है, ठीक है, एंड दैट इज द रिएक्शन। चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं, हमारे पास में नाइट्रोजन के
टू एंड थ्री मॉलिक्यूल्स है, तो ये बैलेंस करने के लिए ऑफकोर्स हमको पता है कि थ्री से मल्टीप्लीकेशन तो नहीं होगा, ये फोर से मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे हम लोग. तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ बाय फोर. सो फोर से मल्टीप्लाई किया है तो हाइड्रोजन को यहाँ से टू मल्टीप्लाई कर देंगे, नाइट्रोजन थ्री एंड दैट शुड बी फोर. तो यहाँ पे हम लोग टू का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. सो नाउ इज इट बैलेंस. हेटन ट्रायल से कॉपर हमारे पास में एक था, कॉपर एक है, हाइड्रोजन चार थी, हाइड्रोजन चार है, नाइट्रोजन हमारे पास में फोर है. सो वन टू थ्री एंड फोर, फोर नाइट्रोजन है. नाउ ऑक्सीजन छः सात आठ, आठ चार बारह, बारह टोटल अपने पास में ऑक्सीजन है. तो यहाँ पे टोटल तीन चौके बारह, तो हमारे पास टोटल ट्वेल्व ऑक्सीजन है. तो नाउ इट इज़ बैलेंस. तो यार हमारे पास में जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि रिएक्शन हुई तो सेम ही है. जैसे एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है, उसी के पूरे फॉर्म में रिएक्शन हुई है. बट क्या चेंजेस आया है? चेंजेस सिर्फ इतना सा है कि मेरे पास में जो कॉपर होता है या कोई अदर मेटल होती है, नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड फॉर्म करती है, तो ये रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होती है. इसके अलावा सम मेटल, जैसे हम लोग जानते हैं बच्चा कि आपके पास में बहुत सारी मेटल्स जो होती है वो गोल्ड सिल्वर से रिएक्शन नहीं करती, तो फॉर दैट वी नीड वन पावरफुल सॉल्यूशन या पावर पैक सॉल्यूशन चाहिए होता है, एंड दैट इज एक्वा रेजिया. ये क्या है? एक्वा रेजिया एक बहुत ही पावरफुल फुल पैक परफॉर्मेंस देता है. बेसिकली करता क्या है ये, हमारे पास में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसको जब बच्चा नाइट्रिक एसिड के साथ में यानी HNO3 के साथ में, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जस्ट रिमेंबर वन पॉइंट, जो कि रिमेंबर करने के बाद होता है कि यार दोनों के दोनों कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं. तो कॉन्सेंट्रेटेड आपके पास में HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को जब आप कंबाइन करते हो इन द 3:1 ratio, यानी कि अगर आप लोग 3 ग्राम्स HCl ले रहे हो तो हमें हमेशा 1 ग्राम HNO3 लेना है. तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में एक बहुत ही खतरनाक ऑक्सीडाइजर, ये बहुत ही तगड़ा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है. और ये जो एजेंट होता है, इसके पास में फ्री क्लोरीन होती है, और क्लोरीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है. ये इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि गोल्ड सिल्वर जैसे बहुत ही जो स्पेसिमेंस होते हैं, इनको आप आसानी से गला सकते हो इसके अंदर, ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है. तो जो फ्रेश एक्वा रेजिया होता है वो बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो NOCl बनता है, नाइट्रोजन ऑक्सोक्लोराइड, एंड वन मोर थिंग, क्लोरीन गैस तो मिलती ही है, ठीक है, एंड वाटर फॉर्म होता है. तो ये सभी ना साथ में रिएक्शन हो जाती है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि जब ये साथ में होता है और इसमें हमने गोल्ड डाल दिया, तो बेटा पहले से NOCl प्रेजेंट होता है इसमें और क्लोरीन होता है. मतलब ये जब रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्सोक्लोराइड एंड क्लोरीन ऑलरेडी है, तो ये बहुत ही तेज़ी से जो उसमें उपस्थित हमारे गोल्ड वगैरह जब हम डालते हैं इसके स्पेसिमेंट्स, तो ये ऑलरेडी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है, ठीक है. चलिए, तो एग्ज़ाम में आपसे पूछते हैं जनरली कि एक्वा रेजिया किस कंपोजिशन में मिलता है, तो HCl हमें हमेशा 3:2 HCl के रिस्पेक्ट में HNO3 को हमेशा 3:1 के रेशो में लेना है. जस्ट इसको याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में HNO3 वर्सेस HCl भी लिख देते हैं, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है कि HCl हमेशा 3 रहेगा, HNO3 हमेशा 1 रहेगा. अगर ये रहा तो आपको ऐसा लिखना है, अगर ये रहा तो आपको ऐसा लिखना है. जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जब हम 3 मोल आपके HCl के लेते हैं तो हमें हमेशा 1 मोल किसका लेना है? एक्वा रेजिया का लेना है, ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन हो रही है, एंड दैट रिएक्शन विथ मेटलिक सॉल्ट. तो मेटल जब किसी मेटलिक सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करती है तो वो किस तरीके से परफॉर्म करती है, चलिए बात कर लेते हैं. तो आप लोगों को बता दूँ शॉर्ट शब्दों में अपने, तो ये नथिंग बट दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोल रही हूँ उसको मैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि मेटलिक सॉल्ट क्या होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव ZnSO4, और ZnSO4 में आप लोगों ने एल्यूमिनियम डाल दिया, ठीक है. तो आप सभी जानते हो कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन ZnSO4, Zn जिंक है ना. तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो व्हाट हैपेंस, एल्यूमिनियम विल डिस्प्लेस जिंक, है ना. एल्यूमिनियम क्या कर सकती है, जिंक को डिस्प्लेस करके बना सकती है Al2SO4 का होल थ्री.
तो यहाँ पे क्या मिल गया, एल्यूमिनियम सल्फेट, और यहाँ पे जिंक मेटल जो है वो बाहर निकल गई है। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि जब भी कोई हमारे पास में मेटल किसी मेटलिक सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करेगी तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म होती है। जस्ट आपको इतना याद रखना है। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं अगर आप चाहो तो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि आप सभी का फेवरेट है, दैट इज FeSO4 हमारे पास में है। दिस इज बेसिकली आपका आयरन सल्फेट। इसका जब रिएक्शन हम लोग करवाते हैं जिंक मेटल के साथ में, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। व्हाट हैपेंस हियर, हमारे पास में ZnSO4 फॉर्म हो जाएगा एंड हमें मिल जाती है आपकी आयरन मेटल अलग। तो ये पूरी तरीके से जो रिएक्शन होती है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। तो आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जब रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई थी तब रिएक्टिविटी सीरीज में सारे के सारे जो रिएक्शंस थे, या हम कह सकते हैं जितने भी मेटल्स के सॉल्ट थे उनके साथ में रिएक्शंस को परफॉर्म करवाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कैसे पता चला कि पोटेशियम इज़ हाईली रिएक्टिव देन सोडियम एंड अदर मेटल्स, तो हमने सोडियम का कोई सॉल्ट लिया उसका रिएक्शन पोटेशियम के साथ में करवाया। इफ़ पोटेशियम इज़ एबल टू डिस्प्लेस दैट मेटल फ्रॉम मेटलिक सॉल्ट, तो वहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म हुई। तो जब डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म हुई दैट मीन्स हमारे पास में दैट मेटल इज़ मोर रिएक्टिव देन उस मेटल का सॉल्ट। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, और इस आधार पर एक पूरी की पूरी क्या कर दी गई, रिएक्टिविटी सीरीज बना दी गई, जिसमें टॉप पे होती है आपकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, फिर बीच में होती है मीडियम रिएक्टिव एंड सबसे नीचे होती है लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो ये कहलाती है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, तो इन ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द गिवन रिएक्टिविटी सीरीज, यानी टॉप से बॉटम पे आप जब जाते हो तो जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीमेंट ऑर्डर में होती है, डिक्रीज होने लगती है। चलिए, तो ये आपके पास में रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि बेसिकली आप डिफरेंट तरीके से याद कर सकते हो। तो ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, आपके पास टिन है, लेड, हाइड्रोजन, आपका कॉपर, योर मर्करी, योर सिल्वर एंड योर गोल्ड, ये सभी के सभी मेटल्स जो है बेटा टॉप से बॉटम की तरफ जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीमेंट ऑर्डर में है। अब अक्सर बच्चे बोलते हैं मैम इसको हम लोग याद कैसे रखें, तो याद रख सकते हो छोटे से राइम से जो कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताते रहती हूँ, दैट इज कनिका मांगे आलू, जिंक फिर से भी एच क्यू, मैं यहां तक क्यों ना बोलती हूँ याद करने के लिए। फिर यहां पे जो नीचे वाला है लाइक योर मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, यू कैन इजिली रिमेंबर कि मरकरी, फिर मरकरी के बाद में फिर सिल्वर रिएक्ट कम रिएक्टिव होता है, और उसके बाद में सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड होता है। तो अगर आप ऐसे याद रखोगे आपको इजीली याद हो सकता है कि कनिका मांगे आलू, जिंक फिर से भी हाइड्रोजन क्यू, ठीक है। तो ये आपके पास में एक मेथड हो सकती है। सेबी इज नथिंग बट बेसिकली टिन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टिन, तो टिन का जो साइन होता है दैट इज एस एंड एन, ठीक है, एस एन इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज है। तो यहाँ पर आप लोग क्या इसमें नोटिस कर सकते हो कि अगर हमारे पास में पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस एनी ऑफ दिस मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट्स, ठीक है। बट अगर मैंने किसी लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि कॉपर को लिया, तो कॉपर जो है वो इनके किसी भी सॉल्ट से इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉपर सल्फेट था मेरे पास में, तो कॉपर सल्फेट से जब इसके ऊपर, कॉपर के ऊपर की कोई भी अगर मेटल को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आयरन, जिंक, या हम लोगों ने मैग्नीशियम, कैल्शियम किसी को भी रखा हुआ है, तो दे कैन डिस्प्लेस, यानी कि जिंक, आयरन है ना, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, दे कैन ईजीली डिस्प्लेस है ना, दे कैन ईजीली डिस्प्लेस अवर कॉपर। तो चाहे जिंक हो, आयरन हो, चाहे वो लेड हो, या फिर हम लोग बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की, चाहे मैग्नीशियम की, ETC, ये क्या कर सकते हैं, ईजीली कॉपर को डिस्प्लेस करके सल्फेट बना सकते हैं, यहाँ पे सॉल्ट बना सकते हैं। बट कॉपर के नीचे यानी कि कौन रिएक्ट नहीं करेगा, मरकरी, योर HG, योर मरकरी विल नॉट रिएक्ट है ना, HG हो गया, AG हो गया, AU विल नॉट रिएक्ट,
तो दिस इज अ डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है ना. तो हमको ये चीजें हमेशा दिमाग में रखनी है. कैसे याद करोगे, तो ये लॉजिक होता है इनको रिमेंबर रखने को. कनका मांगे आलू जिंक, फिर से भी हाइड्रोजन क्यू. ठीक है, अब बात करते हैं मेटल्स विथ नॉन मेटल्स. ये एक बहुत ही प्यारा चीज है जो कि समझाता है आयनिक कंपाउंड्स को. आयनिक कंपाउंड्स अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे के पूरे केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि जब भी कोई एक कंपाउंड बनता है या कोई हमारे पास में एक मेटल किसी नॉन मेटल से कंबाइन होती है तो वो कैसे रिएक्ट करती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई मेटल किसी नॉन मेटल के साथ में जुड़ती है या चिपक जाती है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास में सोडियम जो है अगर मान लीजिए क्लोरीन के साथ में मिलता है तो ये बनाएगा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाता है. तो यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है दैट इज कॉल्ड योर आयनिक कंपाउंड. ये हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड जो कि किसी भी मेटल और नॉन मेटल के मिलने से प्राप्त होता है या बनता है. ऐसा क्यों है, चलिए इसके बारे में और डिटेल में जानकारी लेते हैं कि यार आयनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा स्पेशल क्यों है. तो यार आयनिक कंपाउंड के बारे में और डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारी क्लास 9th पर, जहां पर हमने समझा था कि यार बोहर का एटॉमिक मॉडल जो होता है वो क्या बोलता है. उसके हिसाब से हमें बताया गया था कि अगर कोई भी हमारे पास एटम होता है तो एटम जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट ये था कि हमारे एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियाई. न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो आई डू थिंक सो कि यू गाइज नो कि पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. सराउंड में इसके होती है कुछ शेल्स, ठीक है, और इन्हीं शेल्स के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि स्पिन कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, लाइक सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में सन हमारा न्यूक्लियस मान लेते हैं एंड जो अदर प्लैनेट्स हैं वो सोलर सिस्टम में क्या कर रहे हैं, सन के सराउंड में या अराउंड में चक्कर लगा रहे हैं. तो सेम मॉडल पे बेस बोहर का भी एटॉमिक मॉडल था. तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक हम बोल सकते हैं कि डिफाइनाइट एनर्जी के स्टेट में क्या करते हैं, स्पिन करते हैं. तो इन्होंने उन्हें नाम दिया कि जो सबसे लोएस्ट लेवल का होता है एनर्जी स्टेट उसे के नाम दिया, देन उससे थोड़ा ज़्यादा वाले को एल एंड उससे ज़्यादा वाले को एम नाम दिया है ना. तो इनके हिसाब से के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, मिनिमम 0. एल वाले शेल में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, एम वाले में मैक्सिमम 18 हो सकते हैं. एंड द मेन इम्पॉर्टेंट रूल वॉज कि ये फॉलो करता है 2n² के हिसाब से किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, जहां पर n क्या होता है, n इज नंबर ऑफ शेल. दैट मींस अगर मैं आपसे बोलूं कि k कौन सा शेल है, तो k इज n इक्वल टू 1, l हमारे पास में n इक्वल टू 2, एंड m इज इक्वल्स टू हमारे पास n इक्वल टू 3rd शेल है. यानी कि अगर मैं n में n की जगह पे यहाँ पर 1 पुट करूँ तो यू विल फाइंड कि यार हमारे पास में k का वैल्यू जो है वो 2 आ रहा है. लेट्स डू इट विद मी ताकि आप लोगों को ये परेशानी ना हो करने में, इफ कोई नया बच्चा है जिसको बिल्कुल भी नहीं पता इस बारे में, उस बच्चे के लिए कि यार देखो हमारे पास में ना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में ही स्पिन करते हैं. उनके हमने नामकरण कर दिया, हमने नाम दे दिया क्योंकि यार हमारे घर में अगर बच्चे रहे तो बच्चों के भी नाम कर देते हैं, राजू, मोना, सोना, चीनू, पीनू, तो ये सब नाम हम लोग कर देते हैं. तो वही तो नामकरण का जो प्रोसेस है हम लोग यहां पर भी फॉलो कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है कि जो के शेल है ना, तो के शेल में 2n² के हिसाब से जब हम लोग फिल करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स. तो जब फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 2n² के हिसाब से होगा, जहां पर अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, n इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, n इक्वल टू 2 पुट करना है हमें, n इक्वल टू 3 पुट करना है respectively. जब हमने n इक्वल टू 1 पुट किया क्या मिलने वाला है, चलो फॉर्मूला आपके पास में है 2n का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लोग फिलअप करोगे 2 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2. तो कहने का मतलब ये है कि विद दिस फॉर्मूला किसी भी फर्स्ट वाली जो शेल होती है जिसको हम के शेल बोलते हैं उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. सेकेंड वाली शेल में विद दिस सेम यू विल फाइंड आउट कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम डाल सकते हो. एंड थर्ड वाली जो शेल है उसके हिसाब से 2 × 3 का स्क्वायर, तो अप्रोक्सीमेट 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. अप्रोक्सीमेट क्या, 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. और ये प्रूव्ड है बच्चा, ये ना प्रूव्ड है कि हमारे पास में किसी भी शेल का मतलब के एल एम एन अगर ऐसी शो ऑन सेल्स होती है तो उसमें 2, 8, 18, so on 32
टू ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए जाएंगे, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर हमारी जो शेल होती है, इसे बोलते हैं बेटा हमारे पास में आउटर मोस्ट शेल, तो अगर आप चाहते हो कि आपका एटम स्टेबल रहे, अगर आप चाहते हो कि हमारे एटम में कोई रिएक्शन नहीं हो, कुछ भी ना हो, तो उसका जो फाइनल या फिर आउटर मोस्ट सबसे जो लास्ट वाला शेल होता है वो ऑलवेज पूरा तरीके से फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज हम कहते हैं कि हमारा एटम रिएक्शन करेगा। तो अगर आप लोगों को याद हो, इनर्ट गैस जो होती है वो इस पूरे के रूल को बहुत अच्छे से फुलफिल करती है, एंड इनर्ट गैस कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। रीजन ही यही होता है, उनकी आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड होती है। बट फॉर हमारा एटम दिक्कत क्या हो रहा है इसके साथ में, यहां पर अगर मान लीजिए कि हम लोग पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं आउटर मोस्ट शेल को विद दिस कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या किया जाता है कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर टू फुलफिल इट, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के जो अंतिम जो आखिरी वाला जो शेल है उसके अंदर कम से कम 8 तो भरने ही है। अगर 8 नहीं है तो एटम ट्राई करेगा 8 भरने के लिए, एंड यही जिद्दोजहद में कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं कि जब भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कहीं से भी बस 8 इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है, जो भी करने की कोशिश करता है, उसी की प्रोसेस में क्या होते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी स्टेबल। तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर हियर यू कैन सी, हमारे पास में एक एग्जाम्पल लेने वाली हूं मैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, उतने ही इसके पास में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। सो विद द बोहर्स एटॉमिक मॉडल या बोहर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर द कॉन्फ़िगरेशन विल बी, क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, कैसे भरेंगे हम लोग 13 में से। बच्चा आपके पास एल्यूमिनियम है, हमारे पास में पॉजिटिव पूरा अंदर रहेगा, 13 पॉजिटिव्स है। इसके पास में जो फर्स्ट शेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फुलफिल करेंगे, क्योंकि यार 13 में से 2 हम लोगों को पहली वाली का क्लास में भरना है। दूसरी वाली जो हमारे पास में एनर्जी स्टेट है जिसका नाम है एल, एल के अंदर 13 में से बचे वाले जाएंगे, 2 हम भर चुके हैं, बचे कितने 11 में से 8 हम लोग यहाँ पर भरेंगे। और ये रूल भी याद रखना कि पहले हम लोग इनर शेल्स को फिल करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो 4, 4, 8 हो चुका है, एंड बचे वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में जाएंगे। तो बचे कितने बेटा यहाँ पर 1, 2 एंड 3। तो आप देख सकते हो कि क्या आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। क्या इसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि यार बोहर ने कहा था कि के एल एम के अंदर 2, 8, 18 के हिसाब से होना चाहिए और मैक्सिमम 8 लास्ट सेल में होने चाहिए। तो आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 भी चलेगा और 18 भी चलेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक चलेगा। बट 18 के लायक इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास में, 18 बहुत बड़ा नंबर होता है बेटा, तो इसके पास में 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये ट्राई करेगा कि अपने आउटर मोस्ट शेल में मिनिमम 8 भर ले ताकि स्टेबल रहे। बट मुझे एक जेन्युइन बात बताओ कि क्या एल्यूमिनियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए कहीं से 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आ सकता है क्या? अगर आप लोग देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम को, तो मैंने बोला कि 18 नहीं है तो 8 इलेक्ट्रॉन भी चलेंगे। तो हमको आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं एक सिंपली स्पेस बना दे रही हूँ लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में, 4 इधर है, 4 इधर है, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर है और यहाँ पे 5 हो गए ना, इसको एक मिटाने दीजिए, चलो ठीक है। तो हमारे पास में अगर आप लोग देखो, ये जो मैंने ब्लू कलर के सर्कल्स बनाए हैं वो समझा रहे हैं कि कितने का एम्प्टी स्पेस है। हमारे पास में 8 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 की हमको नीड है। अगर आप देखो तो 5 मैंने सर्कल्स बनाए, 5 सर्कल्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन लाए जा सकते हैं। बट एक बात बताओ कि अगर हम हमारे आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करना चाहते हैं तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना आसान मानेगा, या कहीं से 5 इलेक्ट्रॉन्स को लेने की जगह क्या ये अपने आउटर मोस्ट शेल के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे थे आप लोग, इसको डोनेट कर देगा क्या?
देखो इसके लिए पास में दो ऑप्शन है, या तो डोनेट करके अपना आउटर मोस्ट शेल स्टेबल करेगा, या तो वो कहीं से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करके आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करेगा। तो इन दोनों ही ऑप्शन में से विच वन इज मोर रियलिस्टिक फॉर एल्यूमिनियम, 5 इलेक्ट्रॉन लेना इसके बस की नहीं है, तो ये क्या करेगा अपने आउटर मोस्ट शेल के जो 3 इलेक्ट्रॉन से इनको क्या कर लेगा, ये डोनेट कर देता है। तो आफ्टर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेशन एल्यूमिनियम विल बी लाइक कि ये मेरे पास एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम की फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। एंड और जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल थी, अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे मुझे बताइए, 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने डोनेट कर दिए है, तो नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स के बाद में प्रोटॉन्स की जो नंबर है वो कितनी हो गई है, वो 13 ही है, 13 प्रोटॉन हमारे पास में है। तो इसका क्या मीन है, इसका मीन ये है कि अगर आप लोग देखें हमारे एल्यूमिनियम के एटम पे ऊपर 3 प्लस चार्ज आ चुका है, यानी 3 प्रोटॉन के जो हम लोग बोलेंगे कि नॉन एटॉमिक पार्टिकल है उसका जो चार्ज है एक्स्ट्रा आ चुका है, यानी कि प्रोटॉन के 3 चार्जेस एक्स्ट्रा है हमारे एल्यूमिनियम पे, तो ये बन गया इसका आयन। सो नाउ बच्चा यहां पे हम इसे लिखते हैं एल्यूमिनियम प्लस 3, दिस इज योर एल्यूमिनियम आयन, ठीक है, दिस इज योर एल्यूमिनियम आयन, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कैट आयन, बेसिकली जहां पर भी पॉजिटिव दिखे वहां पे हम लोग बोलते हैं कैट आयन, है ना, कैट आई आयन। तो अब ये तो एल्यूमिनियम की बात करी हम लोगों ने, नाउ एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, और ऐसे ही एक छोटू सा एग्जाम्पल हम लेते हैं किसी और चीज का, एंड दैट इज लेट्स टेक एग्जाम्पल फॉर क्लोरीन एटम, क्योंकि क्लोरीन के लिए भी हमको जानना बहुत ही ईजी रहेगा, एंड क्लोरीन को अंडरस्टैंड करना भी काफी ज्यादा समझदारी की बात होती है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लोरीन के बारे में अंडरस्टैंड करना। हमारे पास में क्लोरीन का एटम मान लीजिए है, हमारे पास में क्लोरीन का एटम, एंड जो क्लोरीन होता है वो क्या कर लेगा, क्लोरीन के साथ में सीन थोड़ा अलग होता है, क्लोरीन के साथ में मान लीजिए कि सीन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो क्लोरीन जो है इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एटमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉन इसके पास में 17 पाए जाते हैं, एंड प्रोटॉन्स की जो नंबर है वो भी 17 ही होगी, ठीक है, 17 ही प्रोटॉन्स इसमें पाए जाते हैं। तो विद बोहर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेटा मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको, के कॉमा एल कॉमा एम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 17 में से 2 आपके फिल हो गए, किसमें, के में फिल हो गए, एल के अंदर कितने जाएंगे, बचे कुछ 8, बचे कुछ, अब बताइए एम में कितने बचेंगे, ये 10 हो गए, और बचे कुछ 7 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, एम शेल में जाएंगे। तो आउटर मोस्ट शेल को need 1 इलेक्ट्रॉन टू मेक इट लाइक नोबल गैस configuration, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लोग ध्यान से देखो क्लोरीन के पास में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है कि यार जो नोबल गैस है इसके नियरेस्ट नोबल गैस होती है आर्गन, और अगर आप एल्यूमिनियम के पास में देखें जो हम लोगों ने रिसेंटली देखा, तो एल्यूमिनियम के जो नियरेस्ट हमारा कह सकते हैं नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन होता है दैट इज नियॉन। तो नियॉन का एटमिक नंबर 10 होता है, और 10 के कारण वो अपने आउटर मोस्ट शेल को पूरी तरीके से अच्छे से फिल कर देता है। सेम फॉर आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ने क्या किया, अपने नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फिग्रेशन को प्राप्त करने के लिए उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, दैट मीन्स अब इसके पास में जो शेल है उसके पास में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो के कॉमा एल शेल है, एम शेल की बात कर लेते हैं, तो बेटा यहां पर के में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एम में 0 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इससे पता चल जाता है कि हमारे पास में आउटर मोस्ट शेल के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, एंड ये जो कॉन्फिग्रेशन है ये आपकी नियॉन का कॉन्फिग्रेशन है। तो कोई भी एटम अपने नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फिग्रेशन को प्राप्त करने की कोशिश करता है, एंड दैट इज द रीजन कि वो इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करेगा या तो वो एक्सेप्ट करता है। किसी किसी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इजी होता है, किसी किसी के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान होता है। तो अब क्या करता है आपके पास में, जो हमने क्लोरीन की बात करी तो क्लोरीन के पास में सेम ही प्रॉब्लम आ रही है कि बेसिकली इसके पास में आउटर मोस्ट शेल में इसको स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, इसके
नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन, तो आर्गन को प्राप्त करने की कोशिश करेगा. तो वो क्या करेगा, नाउ क्लोरीन विल गेन इलेक्ट्रॉन. ओनली वन इलेक्ट्रॉन की नीड है तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को. तो इसकी के शेल, एल शेल और एम शेल के अंदर नाउ 2.8.8 इलेक्ट्रॉन आएंगे. दिस इज द स्टेबल कॉन्फिगरेशन फॉर क्लोरीन. ये स्टेबल स्टेट में होता है. तो यहां पर अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं. प्रोटॉन्स तो सेम थे, जितने थे पहले उतने ही रहेंगे. इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो 17 से बढ़कर अब इसके पास में 18 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं. दैट मींस वन इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्स्ट्रा है. तो यहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण क्लोरीन के ऊपर आ जाता है निगेटिव चार्ज, इसलिए हम लिखते हैं इसको -1 चार्ज के ऊपर. तो यह है क्लोरीन आयन. तो जब आपके पास में अब एल्यूमिनियम और क्लोरीन कंबाइन हो गए तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है. तो मैंने आपसे कहा कि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो मैंने उनको 3 स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया. कई बार इसको आप ऐसे गोलों से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो, लेकिन एक्चुअली में ये बनाने में दिक्कत होता है मुझे बहुत, इसलिए मैं इसको स्टार से बना देती हूं. तो दिस इज ऑल्सो राइट. तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है. ठीक है, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2.8.3. ठीक है, बट मैंने बोला कि एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. तो अगर मैं एल्यूमिनियम का रिएक्शन क्लोरीन से करवाना चाहती हूं तो एल्यूमिनियम क्लोरीन से रिएक्शन करने के लिए क्या करेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं. तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं फटाफट से बताइए. मैं इनको ब्लू कलर के डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूं. इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 17 होते हैं, यानी सॉरी 7 होते हैं. तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस है. दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ये. अब क्या हुआ, तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन आपस में कंबाइन हो गए, तो जस्ट टेल मी मेरे बच्चा कि एक क्लोरीन तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, एम आई राइट और नॉट? एक क्लोरीन एटम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को यहां पर गेन कर सकता है. सो फॉर अनादर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें 2 और क्लोरीन की नीड होगी. तो दैट इज द रीजन एल्यूमिनियम का एक जो मॉलिक्यूल, एक जो एटम होता है वो 3 क्लोरीन के एटम के साथ में कंबाइन करता है. तो हमारे पास में एक और क्लोरीन और एक और क्लोरीन, तो इस तरीके से हमारे पास में 1, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या करेगा कि अब ध्यान से अगर आप लोग देखो तो हर कोई क्लोरीन का जो एटम होगा वो ट्राई करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास में लेने की. एंड दैट इज द रीजन कि हमारे पास में जो क्लोरीन का एक एटम होगा वो ट्राई करेगा इस तरीके से एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को अपने पास में लेने के लिए. इसीलिए आप अगर आप लोग ध्यान से देखो, एक क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, तो ये मिल करके बनाते हैं क्या, आयन. एंड दैट बना कंपाउंड. तो यहाँ पे क्या बनता है, कंपाउंड बनता है एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन के साथ में. दैट विल बी योर AlCl3. अगर आप लोग ध्यान से देखो, दिस इज योर AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो ये होता है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन. इसको हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं विथ अनदर एग्जाम्पल. And let's take an example of magnesium oxide, MgO. ठीक है, तो magnesium के structure को समझते हैं बेटा. अब मैं directly atomic structures की बात नहीं करूंगी, मैं directly electron dot structure से explain करने की बात करती हूँ. ionic compound के बारे में हमें जो necessary चीज़ें होती है वो पता होना चाहिए, that is the valencies. Because जिस भी atom की जो valencies होती है वो easily satisfied करती है आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होंगे. जैसे फॉर example, आई ऑलरेडी नो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है एंड ऑक्सीजन की भी 2 होती है. और अगर मैं बताऊँ, मैग्नीशियम बनाता है पॉजिटिव 2 आयन, ऑक्सीजन बनाता है नेगेटिव 2 आयन. इसका मतलब क्या है, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चा वो होता है 12, यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास में, 12 होते हैं. एंड प्रोटॉन जो होंगे वो कितने होंगे इसके पास में, वो भी
12 ही होते हैं, 12 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, 12 होते हैं प्रोटॉन. सो विद द के एल एम एन प्रोसेस यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होगा इसका, 2, 8, 2, 10+2, 12 है ना, 12 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने सेल के अंदर फिलफिल किए हुए. तो यहाँ पर आपका 2, 8, 2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है, ठीक है. एंड अगर मैंने बोला कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, तो ऑक्सीजन के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं. सो फॉर ऑक्सीजन हमको पता है कि ऑक्सीजन के जो केस है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में बच्चा लगभग बात करते हैं हम 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, है ना. इसके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं. प्रोटॉन भी कितने होते हैं इसके पास में, वो भी 8 ही पाए जाते हैं. तो जब हम इसको K, L, M से फिलफिल करेंगे तो भाई 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, K में भरेंगे, और 8 में से बचे वाले इलेक्ट्रॉन L में जाएंगे, तो दैट विल बी 6. अगर आप लोग देखो M में जा ही नहीं पाएगा कोई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहीं पर खत्म हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन. तो अब ऑक्सीजन स्टेबल होने चाहता है, तो मैंने आपको कहा कि इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा. तो अब हम जानेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है. तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी ये है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में भी ये जो 2 है ये क्या है बेटा इसकी, तो एम इसकी आउटर मोस्ट शेल बन गई. आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, एंड फॉर ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन आउटर मोस्ट शेल. सो व्हाट हैपेंस, चलिए तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो जब ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल को देखे तो यार ऑक्सीजन बोला मेरे पास में तो यार 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुझे कितने की नीड है अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए. तो ऑक्सीजन बोल रहा है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तेरे पास 2 एक्स्ट्रा है. मैग्नीशियम बोल रहा है कि यार मेरे पास में ना आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दूं तो मेरे पास में 2, 8 का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा विच इज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और मैं स्टेबल हो जाऊंगा. यानी मुझे कैसे भी करके ये 2 इलेक्ट्रॉन को ठिकाने लगाना है, ठीक है. तो यहां पर मैग्नीशियम बोलेगा यार भाई तू, तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो तू दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले भाई, तो तू ले ले यार, तू तो दोस्त है मेरा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले. तो यहां पर जहां मैंने गोला बनाया है वहां पर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम से लेकर के बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि Mg के ऊपर 2+ लिखोगे क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन उड़ चुके हैं, बट ऑक्सीजन के ऊपर क्या हुआ है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए हैं. सो नाउ यहां पर इसको मैं डायरेक्टली यहीं पर नीचे लिख रही हूं बच्चा, तो नीचे जब मैं लिख रही हूं ऑक्सीजन के ऊपर, थोड़ा सा इसको कलरफुल बना के लिखते हैं, हमारे पास में जो ऑक्सीजन है दैट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंड मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स को मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको 2 नेगेटिव चार्ज मिल गया, -2 चार्ज इसके ऊपर आ गया, है ना. 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे तो -2 चार्ज इसके ऊपर आ गया. तो इससे हमें क्या दिख रहा है, इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से मिला तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गए, ये ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर हो गए, और इन्होंने बनाया एक कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं MgO. तो MgO को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने क्या कर दिए, ऑक्सीजन को डोनेट कर दिए. सेम मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया था फॉर एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जब फॉर्म हुआ यानी AlCl3 फॉर्म हुआ, तो ये कंबाइन हो करके बनाते हैं मेरे बच्चा एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +3 चार्ज आ गया. क्लोरीन जो है उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्लोरीन के ऊपर बेटा हमारे पास में क्लोरीन की 3 क्वांटिटी है. आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा कि हमारे पास में क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है और ये 3 पार्टिकल है. तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, एक क्लोरीन को डोनेट कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो. दिस इज द एक्चुअल थिंग जो कि हो रही है आयनिक कंपाउंड्स में, ठीक है. तो आयनिक कंपाउंड्स को और कैसे बनाना है इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं. ऐसे ही बच्चा सेम फॉर NaCl,
सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जब ये क्लोरीन के साथ में कंबाइन होता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, एक की कमी होती है। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के NaCl बनाते हैं तो एक सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाता है एंड क्लोरीन के पास में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज द रीजन हमारे पास में जो सोडियम एटम है वो अपना क्या कर रहा है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर दिया है क्लोरीन को एंड नाउ हमारा जो क्लोरीन है उसके ऊपर -1 चार्ज आ चुका है बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1 नेगेटिव चार्ज आ चुका है। एंड अगर मैं सेम इसको बनाती हूँ विथ मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम के पास में 2 चार्जेस, 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये जब क्लोरीन के साथ में कंबाइन करेगा तो हमको पता है यार कि एक मैग्नीशियम एक क्लोरीन से नहीं पटेगा, हमको चाहिए होगी कितनी, यहाँ पे एक खाली है ना, तो देखो यहाँ पर अब क्या हो गया कि एक मैग्नीशियम एक क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको सिर्फ एक की नीड होती है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उठ करके चला जाएगा एक क्लोरीन के पास में, फिर बचे वाले एक इलेक्ट्रॉन का क्या, इसके लिए हमें चाहिए होगा एक और क्लोरीन का एटम ताकि ये हमारे पास में बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो जहां पर आप देखोगे कि ये जो है हमारे पास में दूसरा जो एटम का इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो बनाते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, +2 चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर दिए, छोड़ दिए हैं और इनसे बनने वाला जो हमारा बेटा जो भी कंपाउंड होगा उसमें हमें कितनी क्लोरीन पड़ रही है नीड, हमारे पास में बेटा इस तरीके से 2 क्लोरीन नीड पड़ रही है। तो क्लोरीन ने क्या किया है, क्लोरीन ये जो Cl2 यहाँ पर लिखा हुआ दैट इज शोइंग कि 2 सेम टू सेम क्लोरीन के एटम हमारे पास में -1 आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड हमेशा फॉर्म होते हैं बिकॉज दे ट्रांसफर देयर इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनते हैं। एंड आयनिक कंपाउंड और ऐसे लिख सकते हो मैम, इनको बनाने का और क्या मेथड होता है, तो अगर आपको वैलेंसी पता है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि यार हमारे पास में कोई भी एटम का आयनिक कंपाउंड कैसा बनता है। उसके लिए आपके पास एक निंजा टेक्निक है, बहुत ही छोटी सी ट्रिक होती है, लाइक यू नो सोडियम पोटेशियम सिल्वर जो भी आपके पास में एटम होते हैं अगर उनके आयन पॉजिटिव फॉर्म होते हैं सिंगल या डबल, तो आप लोग जैसे यहां पर देखो ये हमारे पास में आयंस फॉर्म करने की कैपेसिटी है और इन सब की जो वैलेंसी होती है 1 होती है, यानी कि यहां पर जो आप जितने भी देख रहे हो एटम एंड पॉली एटमिक आयन दोनों ही है। पॉली एटमिक मतलब कि 2 से ज़्यादा एटम्स मिलकर के जब आयन फॉर्म करते हैं, लाइक कार्बोनेट हो गया आपके पास में, लाइक हाइड्रोक्साइड, लाइक अमोनियम, तो दीज आर कॉल्ड योर पॉली एटमिक आयन्स। एंड फॉर सिंगल आयन्स लाइक हमारे पास में सोडियम पोटेशियम सिल्वर क्लोरीन कॉपर ETC, तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, सिंगल आयन्स फॉर्म करने की कैपेसिटी वाले। ठीक है, नाउ हमें इनसे बना रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स को आप केमिकल फॉर्मूला में कैसे बना सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए आई हैव एक्स मेटल, एक्स मेटल की जो वैलेंसी है या आयन बनाने की जो कैपेसिटी है वो मेरे पास में +3 है, वाई मेरे पास नॉन मेटल है इसकी -2 है। लेट्स एज्यूम हमें क्या करना है, इसको एक्स के पैर पे, इसको वाई के पैर के नीचे लिख देना है विदाउट एनी साइन, तो हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट विल बी X2Y3, दिस विल बी द कंपाउंड केमिकल फॉर्मूला। कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा X2Y3। सो यू गाइज कैन ट्राई इट आउट, लाइक हमारे पास में मैं किसी का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड ऑक्सीजन, तो एल्यूमिनियम की मैं बात करती हूँ, तो एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है बेटा +3, ऑक्सीजन की होती है -2। मैंने बोला इसको लेके जाओ इसके पैर के नीचे, इसको लेके जाओ ऑक्सीजन के पैर के नीचे। नाउ जो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी एल्यूमिनियम का 2
टू, क्योंकि विदाउट साइन हमको लिखना है, ऑक्सीजन का थ्री, यानी Al2O3, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, है ना। तो ये एक ईजिएस्ट वे होता है, ईजिएस्ट तरीका होता है केमिकल फॉर्मूला बनाने का। सेम फॉर लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम पे प्लस टू होता है, हाइड्रोक्साइड पे OH नेगेटिव। पॉली एटॉमिक आयंस को हमेशा हमें ब्रैकेट्स में लिखना है, प्लस टू को आपने यहाँ पर लिख दिया, माइनस वन को आपने कैल्शियम के नीचे लिख दिया, तो यहाँ पे विदाउट साइन क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस। तो दिस आर द केमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके पास में इजिएस्ट वे होता है किसी भी टाइप के केमिकल फॉर्मूले को बनाना। तो दीज आर द एटॉमिक, हम लोग बोल सकते हैं कि यार केमिकल फॉर्मूला था। जो हमारा मेन मुद्दा है वो है मेटल एंड नॉन मेटल का। तो जब भी आयंस बनते हैं बच्चा, तो जनरली हमारे पास मेटल्स जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखती है, नॉन मेटल्स जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये बहुत ही तगड़े सॉलिड्स होते हैं। रीज़न क्या है इनके पीछे का, कि जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेन जो मोटो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। दे आर नॉट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, दे आर डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ करके स्टेबल फॉर्म कर रहे हैं। यानी अगर मैंने बोला कि NaCl बन रहा है, दैट मींस यहाँ पर जो सोडियम और क्लोरीन है दे आर स्टेबल स्टेट, दे आर इन स्टेबल स्टेट, दे आर नॉट लाइक कि अब मैं रिएक्शन करूंगा, तो स्टेबल स्टेट में है एंड दे हैज ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ विच आयन अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली, दिस मेक्स आयनिक कंपाउंड सॉलिड। तो पहली बात तो ये कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऑलवेज सॉलिड होते हैं। ऑल्सो दूसरी बात ये बेटा कि ये ब्रिटल है, ब्रिटल मतलब कि जैसे आप लोगों ने देखा कि हम नमक वगैरह को ठोकते हैं तो ये पूरी तरीके से बुरादा या बिखर जाता है, दैट इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटल। आयनिक कंपाउंड हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड आयनिक कंपाउंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो पहली चीज तो ये पहले ही बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बना रहे, दैट मीन्स उनका जो आउटर मोस्ट शेल स्टेबल है, आउटर मोस्ट शेल स्टेबल है, दैट मीन्स रिएक्शंस नहीं करेंगे, यानी NaCl जो है वो टोटली न्यूट्रलाइज्ड थिंग है एंड वो बिल्कुल भी किसी से कोई लेना देना नहीं रखता है। तो NaCl के बीच में जो बना हुआ जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग हो, यानी आयनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ऑल्सो अगर तुम इनको गर्म करोगे तो पहली बात तो ये कि ऑलरेडी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड फॉर्म कर रहे, तो इनको तोड़ना उतना ही टफ टास्क होता है, यानी कि जस्ट आप हीट अप कर दो और ये अपनी स्टेट चेंज कर ले इतना इजी काम नहीं है इनके लिए। तो फॉर चेंजिंग देयर स्टेट उनको बहुत ज्यादा हीट अप करना पड़ता है, काफी ज्यादा गर्म करना पड़ता है, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास में जो साधारण जो नमक होता है उसको आप कितना भी हीटअप कर लो वो पिघलता नहीं है, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता। रीज़न बहुत सिंपल सा है कि यार 700 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देने पर ही वो लिक्विड स्टेट में आएगा, है ना, वो पानी की तरह पतला पतला बनेगा, कब, मोर देन 700 डिग्री सेल्सियस देने के बाद। आयनिक कंपाउंड्स जनरली डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व होकर के अपने आयंस में ब्रेकआउट हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन, पेट्रोल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, जो कि कार्बन से बने हुए, कार्बन और हाइड्रोजन के जो सॉल्वेंट्स होते हैं लाइक एल्कोहल वगैरह हो जाता है, इनमें घुलते नहीं है। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट बट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्डन स्टेट। The solution of ionic compound in water conduct electricity. This happens because ions present in the solution of ionic compound facilitate the passage of electricity by moving towards the opposite electrodes. Basically, जैसे हम लोग को पता है कि सोडियम यहाँ पर सोडियम प्लस चार्ज के या आयन के स्टेट में है, क्लोरीन यहाँ पर नेगेटिव स्टेट में होता है, तो क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ ये लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है बिकॉज आयन्स फ्लो होते हैं ना। और ये हमने समझा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है बिकॉज आयन्स फ्लो होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, मैंने पहले कहा था मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पास में दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यार अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक बहुत ही तगड़ा टॉपिक है, कहने का मतलब हमारी अर्थ से हम कैसे किसी भी मेटल को निकालते हैं, हासिल करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिनरल्स ओर्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मिडल रिएक्टिव
रिएक्टिविटी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल एंड कोरोजन. तो इस सब के अंदर हमको ये चीज़ें कवर अप करना है. तो बेसिकली हम लोग समझेंगे इसके अंदर की अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी है दैट और थिंग्स की हमें इतना सब कुछ पढ़ना है अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में. तो सबसे पहली चीज़ की जब मैं बात कर रही हूँ अकरेंस की, तो यहाँ पे हमको समझना है कि यार अर्थ के अंदर से हम लोग मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, यार मेटल हमको कैसे किस स्टेट में मिलता है. तो अकरेंस को मतलब हम लोग समझेंगे कि यार अर्थ में किस फॉर्म में एक्चुअल में मेटल पाया जाता है. दूसरी चीज़ की यार अब उस मेटल के जो भी फॉर्म्स होते हैं उनसे प्योर मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करें, ये प्रोसेस हमको पूरी समझनी पड़ेगी. तो चलिए बेसिकली बात कर लेते हैं कि हमारे पास में जो मेटल होता है अर्थ के अंदर क्रस्ट में मिनरल्स या ओर्स के फॉर्म में पाया जाता है. मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मार्बल के पत्थर होते हैं, इनको हम खोद कर निकालते हैं. मतलब मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुना होगा कि मार्बल की चट्टानें होती है बहुत बड़ी बड़ी, वहां से हम लोग मार्बल को निकाल कर लाते हैं एंड देन यूज करते हैं. तो मार्बल एक फॉर्म है जहां से हम कैल्शियम को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि मार्बल की जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, जो बड़े बड़े खदानें होती है, जो माइंस होती है, वहां से हम मार्बल को निकाल रहे हैं सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट कैल्शियम फ्रॉम इट. मार्बल मतलब कि क्या होता है, CaCO3. तो दिस इज कॉल्ड योर मिनरल. तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड योर मिनरल, यानी कैल्शियम कार्बोनेट इज द मिनरल फॉर कैल्शियम मेटल. कैल्शियम मेटल का मिनरल होता है हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट. तो यही चीज दिमाग में रखिए कि हमें हमेशा जो अर्थ के अंदर पाए जाने वाले मेटल्स होते हैं वो जनरली किसी ऑक्सीजन कार्बोनेट्स या फिर हम बोल सकते हैं सल्फाइड के रूप में हमें अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं. यानी अगर आप खोदोगे तो आपको डायरेक्टली मेटल मिल जाए ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि मेटल्स रिएक्शन करती है, रिएक्टिव होती है, तो वो हमेशा अर्थ के क्रस्ट में किसी किसी फॉर्म में मिलेगी. या तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलती है, या वो सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलेगी, या फिर वो हमें मिलती है किसी ऑक्साइड के फॉर्म में. तो अब जब बात करते हैं अर्थ से बाहर निकालने की, तो जनरली हम उनको मिनरल्स के फॉर्म में निकालते हैं. और जिन मिनरल्स में नंबर ऑफ मेटल का परसेंटेज ज्यादा होता है उसे हम ओर बोलते हैं. ठीक है, तो मेटल्स अकर इन अर्थ क्रस्ट एंड इट इन सी वाटर. ऑफकोर्स सी वाटर में सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट होता है, जैसे आपने सुना होगा कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट हम लोग सी वाटर से प्राप्त करते हैं. ठीक है, तो सी वाटर के अंदर जो पानी होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट घुले होते हैं, वहां से हम लोग भी मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं. इन द फॉर्म ऑफ ओर अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल. सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, etc. मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. एंड और क्या होते हैं, द मिनरल्स फॉर्म विच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर. मेटल्स फाउंड एट बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर लेस रिएक्टिव एंड दे आर ऑफन फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, etc. कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर. इनका कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझने लगते हैं. बेसिकली क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हमारे पास में मोस्ट रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव एंड होती है फिर लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव मेटल्स. तो जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जनरली वो हमको सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं. मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स के हमें सॉल्ट सी मिलते हैं, तो वो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड इसी फॉर्म में होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में होते हैं. तो सी वाटर से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो होती है हमारे पास में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स. ठीक है, फिर बात करते हैं मीडियम रिएक्टिव लाइक जिंक, लेड, आयरन, ये सारे के सारे मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होती है. इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड का यूज़ करते हैं एंड लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, मरकरी हो गया, ये हमको जनरलाइज फॉर्म में मिल जाते हैं और उनको फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. यानी कि जैसे रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके हिसाब से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी डिफरेंट होता है. तो मेटल्स फाउंड इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज जिंक, आयरन, लेड, etc. आर यूजली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स. मेटल फाउंड एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट एज दे आर वेरी रिएक्टिव. फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, etc. ऑल्सो मैनी मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स बिकॉज ऑक्सीजन इज अबंडेंट इन नेचर एंड इज वेरी रिएक्टिव. कहने का मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था हमारे पास मेटल को आप तीन कैटेगरी में बांट दो. पहली होती है मोस्ट रिएक्टिव, दूसरी होती है मीडियम रिएक्टिव
और तीसरी होती है आपके पास में लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव। तो यार जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक पोटेशियम सोडियम हो गया है ना, कैल्शियम वगैरह जो हो गया, इनको हम लोग निकालेंगे सी वाटर से। सिंपल सा बात है, वहाँ पे मिलता है इनके सॉल्ट, उससे एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है। और इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एक मेथड है जहाँ पर हम लोग एनोड कैथोड यानी इलेक्ट्रोड्स का यूज करके मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बात करते हैं मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट जैसे कि योर आयरन, योर लेड, जिंक ईटीसी। इनको एक्सट्रैक्ट करने के पहले हमको इन्हें एज अ मिनरल निकालना पड़ता है। तो जनरली हमको इनके ऑक्साइड्स मिलते हैं, जैसे कि लेड ऑक्साइड मिल जाएगा, आयरन ऑक्साइड मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, मतलब बेसिकली हमको जिंक ऑक्साइड, ईटीसी हमको जनरलाइज नेचर फॉर्म में मिलता है। बट हमको क्या करना है, इनसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो या तो ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में होंगे, या फिर ये सल्फाइड्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है, या फिर ये होते हैं कार्बोनेट्स के फॉर्म में। इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में होंगे और इनको फिर हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है। एंड देन हमको यहाँ से क्या करनी होती है बच्चा, हमको यहाँ से निकालनी होती है मेटल्स। यहाँ से हम लोग का प्रोसेस है मेटल को फाइंड आउट करने का। और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती है, जो बहुत कम रिएक्टिव होती है, बिल्कुल भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, जनरली वो फ्री स्टेट में अवेलेबल होती है। लाइक गोल्ड फ्री स्टेट में होती है, कहने का मतलब हमारे पास में जैसे कि गोल्ड वगैरह जो होती है, तो गोल्ड काफ़ी लेस रिएक्टिव होती है। इसको आप नदियों से प्राप्त कर सकते हो, लिटरली ऐसी मिल जाती है। बहुत सारे आप लोगों ने यूट्यूब पर शॉर्ट देखे हो जहाँ से नदियों में से ऐसे गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दैट इज़ ट्रू, बिकॉज गोल्ड हमको फ्री स्टेट में मिल जाती है। बट फॉर लाइक मर्करी हो गया, आर्सेनिक वगैरह हो गया, तो ये थोड़े से रिएक्शन करके लाइक सल्फाइड्स के रूप में प्रेजेंट होता है। कॉपर भी आपका सल्फाइड के रूप में प्रेजेंट होता है। तो लाइक कॉपर हो गया है ना, आपका मर्करी हो गया, ये इनके सल्फाइड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चा आपके पास में जो सल्फाइड्स होते हैं वहाँ से फिर इनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा बेसिकली जो हमारे पास में मेथड होती है ओर से कैसे हम हमारी प्योर मेटल को निकालते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये लाइक ओवरव्यू टाइप का है। बट मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ प्रोसेस होती है, क्या होती है, कुछ प्रोसेस होती है। वन बाई वन हम लोग क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वन बाई वन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये, सभी लोग मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोगों के दिमाग में एक लॉजिक फिट होगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके दिमाग में होगी ही कि यार हम जब बात कर रहे हैं मेटल्स को अर्थ से निकालने की, यानी कि हम लोग अर्थ की क्रस्ट से ढूंढ करके मेटल को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, दैट मींस मेटल हमें मिल जाएगी बट साथ में बहुत सारी गंदगी मिलेगी। यानी कि हम लोग जब मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सबसे पहला रूल हमको क्या है, अर्थ की क्रस्ट से निकालना है। तो जब हम लोग अर्थ की जो क्रस्ट है उससे बाहर निकालेंगे मेटल को, तो यार मेटल में क्या होती है, बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज होती है। मेटल के साथ में क्या होती है, मेटल के जो भी मिनरल्स होते, ऐसा लिखो उसको, मेटल मिनरल्स है ना, मेटल का जो भी हमारे पास में मिनरल होता है उसके साथ में बहुत सारी गंदगी होती है जिसे हम लोग गैंग कहते हैं। तो गैंग जो होता है वो बेसिकली एक टाइप का इम्प्यूरिटीज होता है जिसमें मिट्टी विट्टी बहुत सारी चीज़ें उसमें लगी हुई होती है, लिपटी हुई होती है। एंड उसको हमें पहले क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। जो गैंग होता है उसे हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। एंड जब हम इसको बाहर निकाल रहे होते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ मैथड्स का यूज़ करना पड़ता है, सब सेपरेशन मैथड्स का यूज़ करना पड़ता है ताकि हमें हमारा प्योर मेटल का मिनरल मिल सके। तो जब हमें प्योर मेटल का मिनरल मिल जाता है तब हम उस प्योर मेटल के मिनरल से क्या करने वाले हैं, मेटल को निकालेंगे। तो मेटल को फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर आती है आपके पास में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, जनरली अगर आपके पास में दो कंडीशन होती है, बट अगर आपके पास में मेटल जो है वो सल्फाइड के फॉर्म में होती है, सल्फाइड के फॉर्म में होती है, तो जनरली मेटल का क्या होता है, रोस्टिंग किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इनको रोस्टिंग की जाती है। रोस्टिंग करके हम लोग क्या करेंगे, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे पास में मान लीजिए कि मेटल जो होती है वो कार्बोनेट्स के फॉर्म में होती है, कार्बोनेट के ओर्स होते हैं हमारे पास में, ठीक है, कार्बोनेट के ओर होते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, इसका कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होती है,
रोस्टिंग भी एक प्रोसेस होती है एंड अगर ऑक्सीडेशन होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास मेटल के ऑक्साइड हमको मिलते हैं तो सीधा हम लोग रिडक्शन करेंगे। तो ये हमें पूरी की पूरी प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास में मेटल है, अर्थ की क्रस्ट से मिली तो बहुत सारी ऑफकोर्स बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सारी गंदगी होगी, मिट्टी मिट्टी बहुत सारी चीज़ें होगी, तो उसको हम लोग गैंग बोलते हैं जो कि बेसिकली इम्प्योरिटीज़ होती है, इनको हम लोग को रिमूव करना पड़ता है। ये क्या होती है आपके पास में, इम्प्योरिटीज़ कहलाती है, ठीक है। तो आपको बता देती हूँ जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको निकालना पड़ता है विथ सो मैनी मैथड्स हमारे पास में अवेलेबल है, लाइक ग्रेविटी सेपरेशन मैथड एंड लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट टिक मैथड फॉर सेपरेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका हम यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद हमें जो मेटल का मिनरल मिलता है फिर उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। इफ मेटल का मिनरल हमारे पास में सल्फाइड के रूप में है तो हम उसको रोस्ट करेंगे, यानी कि रोस्टिंग का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी हैव टू बर्न इट। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं रोस्टिंग में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2 हम लोग गर्म करते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ O2, O2 नहीं होता कैल्सिनेशन में, O2 नहीं होता, बस हम लोग क्या करते हैं इसको, हम लोग बस इसको हीट अप करते हैं, हम लोग सिर्फ गर्म करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, एंड अगर ऑक्साइड होता डायरेक्ट हम लोग रिडक्शन करते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ O2 हम लोग जब इसको क्या करते हैं गर्म करते हैं, हम लोग हीट अप करते हैं, तो हीट अप करने के बाद हमें मिलता है ऑक्साइड, यहां से मिलता है हमें मेटल का ऑक्साइड, यहां से भी हमें मिलेगा कैल्सिनेशन के बाद में मेटल का ऑक्साइड, यहां पर भी क्या मिलता है हमारे पास में मेटल का हमें क्या मिलने वाला है ऑक्साइड मिलेगा, एंड अगेन ऑक्साइड मिलता है। तो ऑक्साइड मिलने के बाद हमें सिर्फ एक ही प्रोसेस दोहरानी है, दैट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन को हमें फॉलो करना है और रिडक्शन के बाद हमारे पास में मिल जाएगी हमें 99% प्योर मेटल। चलिए जानते हैं इसको। तो हमारे पास में बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हमें एक सबसे पहली मेथड यूज करनी होती है, तो रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटी सच एज सॉइल सैंड स्टोन ETC फ्रॉम माइंस ओर इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, ओर विच आर माइंड ऑफन कंटेन मैनी इंप्यूरिटीज, दीज इंप्यूरिटीज आर कॉल्ड गैंग। मैंने पहले ही बोला था इनको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन इज डन टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर्स एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स इज ऑल्सो नोन एज इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होना चाहिए कि इनरिचमेंट ऑफ ओर मतलब कि हम लोग लगभग प्योर मिनरल को प्राप्त करेंगे, हासिल करेंगे। प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओर्स, लाइक अगर आपके पास में जो ओर है वो आयरन का ओर है तो हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, अगर हमारे पास में जो ओर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है तो हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन से उनकी गंदगी को अलग करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में क्या होता है, बहुत तेज़ी से पानी को करवाया जाता है, पानी को बहुत तेज़ी से उस ओर के साथ में डाला जाता है। पहले तो हम लोग किसी भी ओर को बारीक 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 बदल देंगे, एकदम बिल्कुल बुरादा कर देते हैं, और फिर हम लोग बहुत प्रेशराइज तरीके से पानी को क्या करते हैं डालते हैं, जिससे जो भी हल्की अशुद्धियाँ होती है, जो भी हल्की जो गंदगी होती है वो पानी के साथ में बाहर 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 फ्लो हो जाती है, और नीचे जो तली होती है उसमें हमारा मेन मिनरल जो होता है वो नीचे रह जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ मेथड्स होती है जिनको हम लोग यूज करते हैं। फ्लोटेशन प्रोसेस ADC सम एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस व्हिच आर अप्लाइड फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है। बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू द क्रूड मेटल, तो हम लोग बात करने वाले कि कैसे बदलेंगे। तो पहली चीज़ की कन्वर्जन ऑफ मेटल ओर्स इनटू ऑक्साइड, इट इज़ इजी टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। मैंने कहा था कि हमें सबसे पहला काम करना है इनको इनके ऑक्साइड्स में चेंज करना है, एंड ऑक्साइड में चेंज करके हम लोग क्या कर देंगे रिडक्शन कर देंगे। सो बेसिकली जो ओर्स होते हैं वो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड कार्बोनेट आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड्स बाय प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में गर्म करना, कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में गर्म करना। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स सो ऑब्टेंड आर कन्वर्टेड इनटू मेटल्स बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन में हम लोग कार्बन का यूज करते हैं ताकि हमारी जो ऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाए एंड हमें मिल जाए लगभग प्योर मेटल। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रोस्टिंग क्या होता है, हीटिंग ऑफ अ सल्फाइड ओर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड। हम लोग बहुत तेजी से हीट अप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो भी हमारे पास में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग हीट अप करेंगे हमारे सल्फाइड ओर को,
ठीक है, तो हमें क्या मिल जाती है बेटा, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएंगी और हमें मिल जाता है हमारा मेटल का ऑक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता रहना चाहिए। हमें बस मेन मोटो हमारा क्या होना चाहिए, मेन हमारा मोटो है कि मेटल का ऑक्साइड हमें मिले। सेम फॉर कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में ऑलरेडी हमारे पास मेटल का कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। यस, याद रखिएगा मेटल का कार्बोनेट है, तो यार हमको ना इसको कार्बोनेट होने के कारण विदाउट ऑक्सीजन हमें हीटअप करना है। नो ऑक्सीजन नीडेड, यहां पर हमें ऑक्सीजन चाहिए, यहां पर विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बोनेट है यार, कार्बोनेट यानी कि CO3, तो CO3 को हमको विदाउट ऑक्सीजन हीटअप करना है। जब हम लोग उसको हीटअप करेंगे हमें अगेन मिलेगा बेटा मेटल का ऑक्साइड, एंड मेटल का ऑक्साइड निकलने पर कार्बन का मोनोऑक्साइड या जनरली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगे। इन होल प्रोसेस हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, मेटल ऑक्साइड्स पर रहेगा। तो हीटिंग कार्बोनेट और इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर कन्वर्टेड देम इनटू ऑक्साइड इज नोन एज कैल्सिनेशन। अगेन मेटल का जब ऑक्साइड हमें मिल जाता है हम जाते हैं फिर बच्चे कहां पर, रिडक्शन के ऊपर। देन आफ्टर दिस हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन। तो मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल का ऑक्साइड होता है, जनरली हम रिडक्शन प्रोसेस विद कार्बन करते हैं। तो कार्बन जो है वो क्या करने वाला है, कार्बन जो होता है वो ऑक्साइड्स को हमारे पास में जो ऑक्सीजन होता है उसको रिमूव करके कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। साथ में यहां पर निकलेगा हमारे पास में जो भी मेटल है वो तो यहां बच जाता है मेटल, एंड दिस इज द 99% प्योर मेटल होती है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ इंप्योरिटीज तो स्टिल होती है, दिस इज नॉट 100% प्योर मेटल, तो उसके लिए फिर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। बात करते हैं रिडक्शन, हीटिंग ऑफ ऑक्साइड ऑफ द मेटल टर्न इनटू देम इनटू मेटल नोन एज रिडक्शन। सो बेसिकली दिस इज रिडक्शन। चलिए बात करते हैं अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे लीस्ट रिएक्टिविटी जो रिएक्टिव जो मेटल होती है उनसे, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मर्करी हो गया, है ना, ये होती है लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मर्करी एंड कॉपर विच बिलोंग टू द लीस्ट रिएक्टिविटी सीरीज आर ऑफन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड ओर्स। सिनेबार इज द ओर ऑफ मर्करी, कॉपर ग्लैंस इज द ओर ऑफ कॉपर। आपको बता दूं कि कॉपर का जो ओर होता है सल्फाइड ओर उसको हम कॉपर ग्लैंस बोलते हैं, एंड मर्करी का होता है सिनेबार। तो बेसिकली दोनों में कुछ नहीं होते तो सल्फाइड्स ही है, तो इनको जब हम क्या करते हैं, इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि ये क्या है बेटा सल्फाइड ओर है, मैंने बोला सल्फाइड ओर है, तो आप इसकी करोगे रोस्टिंग। तो रोस्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सल्फाइड का जो ओर होता है HgS, इसे हमें क्या करना है, हमें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गर्म करना है। हम लोग हीट अप करेंगे, गर्म करने के बाद क्या होगा, हमारे पास में यहाँ बच जाएगा मेटल का ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगा। बैलेंस कर लेते हैं, हमारे पास में यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, वहाँ पर दो है, वहाँ पर दो है, तो यहाँ पर हम टू का मल्टीप्लीकेशन अगर कर देते हैं, यहाँ पर टू का मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पर हम लोग अगर टू का मल्टीप्लीकेशन कर दें, सो बेसिकली हमारे पास में नॉट बैलेंस, स्टिल नॉट बैलेंस। तो चलो एक बारी और हम लोग बैलेंस करने के लिए थ्री का मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास में जितने नंबर ऑफ मर्करी उतने नंबर ऑफ हमारे पास में क्या हो जाएगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, सो हियर मल्टीप्लाई इट विद थ्री, सो सल्फर विल ऑल्सो मल्टीप्लाई विद थ्री। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय थ्री करेंगे, तो वहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय थ्री करना पड़ जाएगा हमको, ठीक है। तो थ्री ऑक्सीजन एंड सो इट विल बी नॉट गोइंग टू बैलेंस। तो चलो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, एक बार ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए सब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन है, तो हम लोग जनरली यहाँ पे थ्री का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, सिक्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास में हो गई है, सिक्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, दैट मीन्स वी कैन मल्टीप्लाई बाय थ्री, और यहाँ पर टू, फोर और यहाँ पर टू, तो दिस इज ओके, दिस इज हाउ वी कैन मल्टीप्लाई इट। तो यहाँ पर आप लोग टू का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास में कितना मल्टीप्लाई करूँगे बाय टू, सो नाउ इट इज बैलेंस, टू सल्फर टू मर्करी सिक्स ऑक्सीजन, ओके सो इट इज नाउ बैलेंस्ड। चलो तो हमारे पास में बच्चा ये क्या है, सिंपल मेथड थी जहां पर हम लोगों ने मर्करी का ऑक्साइड निकाला। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन हमारे पास में HgO है, तो यार ये HgO के लिए हमें कोई भी रिडक्शन की नीड नहीं पड़ती। अगर आप इसको और हीटअप कर दोगे तो और हीटअप करने पर हमको जो मर्करी होता है वो लिक्विड स्टेट में मिल जाएगा एंड ऑक्सीजन जो है O2 के रूप में बाहर निकल जाता है। दिस इज द बहुत इजीएस्ट प्रोसेस, ऐसे ही आप लोग ट्राई कीजिएगा क्रॉपर ग्लांस के लिए।
कॉपर ग्लांस के लिए भी हमको सेम ही मेथड को दोहराना है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं आपके पास में जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिडल रिएक्टिविटी सीरीज है उनके बारे में। तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें मिडल में आती है आपकी आयरन, जिंक, निकल, कोबाल्ट एंड योर लेड, ठीक है, ATCR इन मिडल रिएक्टिविटी सीरीज। तो आयरन, जिंक, लेड, ATCR फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर ऑफ मेटल आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रिस्पेक्टिव ऑक्साइड एंड देन ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू द रिस्पेक्टिव मेटल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कि जैसे कि हमारे पास में कोई जिंक का कार्बोनेट ओर है, तो ZnCO3 से हमें क्या करना है, ZnO को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा बेटा, इफ कार्बोनेट है तो फॉर कार्बोनेट वी नीड कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होगा कि हमारे पास ZnCO3 है, इसको हम लोग हीट अप कर रहे हैं, हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कार्बोनेट को हमको विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करना पड़ेगा और यहाँ पर निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट थिंग। तो यहाँ हमें क्या मिल गई है, ZnO मिल गया है। तो ये कौन सी प्रोसेस थी, दिस वॉज कैल्सिनेशन। नाउ हमारे पास में बेटा यहाँ पे दूसरा जो ओर है दैट इज योर सल्फाइड, और ये होगा आपके पास में ZnS। तो जिंक सल्फाइड आपके पास में ZnS मिल गया आप लोगों को। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को बस क्या करना है, रोस्टिंग करना है, ठीक है। सो रोस्टिंग में क्या होगा भाई, रोस्टिंग में बहुत सिंपल सा है, हमारे पास में रोस्ट करने के लिए क्या है, आपका ZnS हो जाएगा विद ऑक्सीजन, रिएक्शन करोगे तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, यहां पर मिल जाएगा ZnO प्लस SO2, ठीक है। क्योंकि देखो जब भी हम लोग ऐसे कुछ सल्फाइड वगैरह को जनरली जब हम लोग हीट अप करते हैं तो एकदम से हमारे पास में सल्फर का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के साथ में बाहर नहीं निकलता, क्योंकि ये प्रोसेस में बेटा बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो हम लोग जनरली जब एक बारी में गर्म करते हैं तो हमको यहाँ पे जिंक का ऑक्साइड ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड था, गर्म किया, आपको मिल गया सल्फाइड में। बेसिकली आप इसको बैलेंस कर सकते हो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। सो नाउ इट इज बैलेंस अगेन, सेम चीज। सो अब बताइए मुझे क्या करूंगे यहां पर, नाउ यू हैव अगेन जिंक ऑक्साइड ZnO। तो आप लोग देखो आपको जिंक ऑक्साइड मिल गया, एंड नाउ जो जिंक ऑक्साइड है यही तो हमारे काम की चीज है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे। तो नाउ दिस इज द प्रोसेस रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, हमें जो भी मेटल का ऑक्साइड मिलता है दैट मेटल ऑक्साइड कैन बी लाइक रिड्यूस्ड विद कार्बन। तो कार्बन के साथ में रिएक्शन करने पर हमें यहां से क्या मिल जाएगा, ZN मिल जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो यहां से जो हमें मिल गई मेटल बेटा ये क्या आपके पास में जिंक मेटल, जो लगभग 99% प्योर होती है, नॉट 100% प्योर। तो बच्चा ये आपके पास में क्या हो गई है, जिंक की जो है मेटल 99% आपको प्योर मिल गई है। चलो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, दिस वॉज योर लास्ट थिंग, ठीक है। नाउ हमारे पास ये तो एक मेथड थी जहां पर हम लोग मिडल रिएक्टिविटी सीरीज को परफॉर्म करते हैं, परंतु इसके अलावा भी एक और मेथड होती है जहां पर आप मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के जो मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज थर्मेट रिएक्शन। वो क्या होती है, चलिए बात करते हैं। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं। अगर आपके पास में जैसे बिसाइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स, सम टाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज। यस, हम लोग डिस्प्लेसमेंट का भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो लेस एलिमेंट को हटा देगा और हमें प्योर मेटल मिल जाती है। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ATCR आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन बी डिस्प्लेस्ड मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। यानी कि मैंगनीज का जो ऑक्साइड है जब आप इसको गर्म करोगे विद एल्यूमिनियम, वी नो दैट एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज। क्या करेंगी ये मैंगनीज को डिस्प्लेस कर देंगी एंड बना लेगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड यू कैन सी गाइस कि मैग्नीशियम आपका जो मैंगनीज ऑक्साइड है दैट वाज इन सॉलिड स्टेट, एंड जब सॉलिड स्टेट से साथ में हमने एल्यूमिनियम को गर्म करते, बेसिकली होता क्या है एल्यूमिनियम का तार या पाउडर जो होता है उसको हम लोग हीट अप करके मैंगनीज ऑक्साइड या जिस मेटल को हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है उसके ऑक्साइड में डाल देते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि जब हम गर्म करके डालते हैं तो बहुत तेजी से वहां पर रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन इज वेरी हाईली एक्सोथर्मिक, इतना ज्यादा
एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है कि आपको जो मिलने वाला जो प्योर मेटल होता है, दिस इज योर प्योर मेटल. दिस प्योर मेटल इज इन लिक्विड फॉर्म. इफ यू कैन सी दिस इज इन लिक्विड फॉर्म एंड दैट इज द रीजन कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट बाहर निकलती है. क्योंकि आपको भी पता है मेटल्स को पिघलाना मतलब कि हम लोग 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर खेल खेल रहे हैं. ठीक है, चलिए. दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक. द अमाउंट ऑफ हीट एवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट. यानी जो हमें मेटल मिलती है वो मोल्टन स्टेट यानी लिक्विड स्टेट में मिल रही है. एंड दैट इज द रीजन कि ये बहुत ही यूजफुल भी मेथड होती है इन सम एप्लीकेशंस. ठीक है, तो इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन थ्री यानी कि आपके पास में जो फेरिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स और क्रेक्ड मशीन पार्ट. दिस रिएक्शन इज नोन एज द थर्मिट रिएक्शन. यानी कि थर्मिट रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो आयरन का ऑक्साइड होता है उसमें एल्यूमिनियम को गर्म करके डालते हैं. एंड जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत तेजी से एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है एंड हमें मिलती है लिक्विड आयरन. एंड दैट आयरन इज यूज टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स. ठीक है, एंड इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन. और आयरन इतना ज्यादा मतलब गर्म निकलता है, इतना ज्यादा हाईली हम लोग बोल सकते हैं निकलता है कि लिक्विड स्टेट में हमें आयरन मिलता है. एंड दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक वन. तो थर्मिट रिएक्शन अक्सर एग्जाम में आती है कि व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन, सो यू शुड नो व्हाट इट इज. अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज. अब आपके पास में जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है लाइक योर पोटेशियम सोडियम, इनके सॉल्ट्स आपको मिलते हैं. मैंने पहले भी बताया था किसी वाटर से आप लोग सॉल्ट निकालोगे एंड सॉल्ट को निकालने के बाद उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, दैट्स इट. तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम लोग बोलते हैं बेसिकली इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जिसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो बेसिकली. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टन स्टेट ऑफ मेटल और metal being positively charged is deposited over the cathode. For example, when an electric current is passed through molten state or solution of sodium chloride, sodium metal gets deposited over the cathode. जैसे कि मैंने बोला आपके पास में कि चलो मेरे पास में हम लोगों ने एक टैंक लिया, इस टैंक में हमारे पास में molten state में NaCl है. तो everyone know Na पॉजिटिव पे होता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज पे होता है. वी यूज सम इलेक्ट्रोड्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रोड्स यूज करे हैं एंड इन इलेक्ट्रोड के ऊपर हम लोगों ने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस लगाए हुए हैं. तो लेट्स एज्यूम कि मेरे पास में मैंने यहाँ पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव अप्लाई किया. तो हमें पता है कि जिस पर पॉजिटिव होता है दैट विल बी योर एनोड और जिस पर हम लोगों ने नेगेटिव सप्लाई डाला है दैट विल बी योर कैथोड. ठीक है, तो क्या होगा आपके पास में, जो मोल्टन स्टेट में हमारे पास में जो आयंस होते हैं वो अपोजिटली जो चार्ज हमारी जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ भागेगा. तो सोडियम जो है पॉजिटिवली चार्ज है वो हमेशा कैथोड की तरफ भागेगा, जिस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस है वो उसकी तरफ भागने की कोशिश करेगा. तो सोडियम जो है वो आपको इस तरफ यानी कि आपके कैथोड पर इस तरीके से एक्सट्रैक्ट होते हुए मिल जाएगा और एनोड के ऊपर जो है हमारी क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकल जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ Cl2. दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोलिटिक हम लोग बोल सकते हैं यहां पर यूज कर रहे हैं रिडक्शन का. यहां से हमें मिल चुकी है प्योर सोडियम मेटल. ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. सो बेसिकली हमारे पास में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का भी यूज करते हैं. जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास में कई बार जो ओर से हमको मिलने वाला जो कॉपर वगैरह होता है, जो भी हमारे पास में मेटल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्योर नहीं होते. कई बार कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तब हम लोग रिफाइनिंग का यूज करते हैं. मैनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, दिस आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिकली. इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड ऑफ द एनोड एंड थिन स्ट्राइप ऑफ प्योर मेटल इज मेड ऑफ द कैथोड. अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास में ऑलरेडी एक बहुत ही पतली सी हमको क्या करना पड़ता है, स्ट्राइप की कैथोड बनानी पड़ती है और इम्प्योरिटीज को हम लोग एनोड पर लगाते है. इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे. अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट. ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फॉर्म द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट एंड equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurities go into the solution whereas the insoluble impurities settle down the bottom of the anode and are known as anode mud. जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो
ये पूरी रिएक्शन के अंदर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है कि यार आपके पास में जो सबसे पतला जो होता है उसका कैथोड बना दिया जाता है, यानी कि जो कैथोड होगा जिस मेटल को हमें रिफाइन करना होता है उसकी थिन वायर या हम लोग बोल सकते हैं थिन इलेक्ट्रोड बना देते हैं, बहुत पतला सा होता है ये, ठीक है। उस पर हमने क्या कर दिया, उस पर हमने जोड़ा है कैथोड, यानी कि बैटरी का निगेटिव जो पार्ट है उसको हम लोगों ने जोड़ा हुआ है। एंड जो एनोड होता है दिस इज प्योरली इम्प्योर मेटल या इम्प्योर जो जिसपे बोलते ना इम्प्योर, तो इम्प्योर आपका एनोड होता है जिसमें पूरी की पूरी गंदगी होगी बेसिकली, तो वो आपके पास हम बना, उसकी जो रॉड है उसको हम लोग बना देते हैं एनोड। और एक बहुत मोटा होता है, आप लोग देखो कहाँ आपका कैथोड कितना पतला सा है और कहाँ जो आपका एनोड है वो कितना मोटा सा होता है। तो अब इसमें जो हमारा मेन टास्क होता है दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइट, हमें इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करना पड़ता है वो जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसी का कोई सॉल्ट होना चाहिए। तो जनरली कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का यूज करेंगे। यहाँ पर CuSO4 का यूज करने के पीछे रीजन है कि यार Cu जो होता है वो पॉजिटिव होता है आपके पास में, तो यार जब ट्रैवलिंग होगी यहाँ पर जब आयन इधर से उधर जाएगा तो ऑफ कोर्स हमें कॉपर को प्योर करना है, कॉपर की रिफाइनिंग करनी, तो हमको कॉपर मेटल ही चाहिए किस पर, कैथोड पर, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भी उसी का कोई सॉल्ट यूज करेंगे। तो जब हम लोग ऐसा करने वाले होते हैं तो कॉपर जो है बेटा कॉपर सल्फेट के अंदर दो आयन होते हैं कॉपर 2+ और SO4 2-। सेम आपके पास में जो इम्प्योर एनोड होता है उसमें भी बेटा कॉपर 2+ होगा एंड कुछ इम्प्योरिटीज होती है ना, तो इम्प्योरिटीज जनरली जो होती है वो नेगेटिव चार्जेस के नेगेटिव होती है। एंड आपके पास में जो आपकी प्योर मेटल्स होती है वो मेटल क्या होती है पॉजिटिव आयंस के ऊपर होती है, तो मेटल कैसी है पॉजिटिव है। एंड हमको पता है कि पॉजिटिव चीजें कहाँ जाकर एक्सट्रैक्ट होगी, वो जाकर एक्सट्रैक्ट होगी ऑन द कैथोड, ठीक है, ये कहाँ पर जाएगी कैथोड पर। एंड इम्प्योरिटीज कहाँ जाएंगी, इम्प्योरिटीज के ऊपर होता है नेगेटिव चार्जेस, तो ये बेटा आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर सॉल्यूशन में घुल मिल तो जाता है, एंड घुलने मिलने के बाद जो भी इम्प्योरिटीज बच्चा जो होती है वो जनरली आपके एनोड के ऊपर जाकर चिपक तो नहीं सकती, सो बेसिकली वो एनोड के नीचे जाकर के इकट्ठा हो जाती है, तो ये एनोड के नीचे जाकर इकट्ठा हो जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं एनोड मड, ये कीचड़ होता है जो कि हमें कहां मिलता है एनोड की तरफ मिलता है, तो ये बच्चा आपके पास में टोटली इंप्योरिटीज होती है दैट इज द एनोड मड। और हमें मिल जाता है यहां पर जो पतली सी कैथोड हमने करी थी इकट्ठा की थी वहां पर हमें मोटा हमारा जो कॉपर है वो मिल जाता है, एंड दिस इज होल रिफाइनिंग प्रोसेस। चाहे वो आपके पास में आयरन हो तो आयरन का कोई हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे इलेक्ट्रोलाइट, पतला सा आयरन का तार लेंगे उस पर लगाएंगे नेगेटिव इम्प्यूरिटीज को हम लोग लगाएंगे ऑलवेज ऑन एनोड, तो इस प्रोसेस में हमारे पास में 100% प्योर मेटल हमको मिल जाती है, ठीक है। तो कई बार जो हमें रोस्टिंग कैल्सिनेशन से मिली हुई जो मेटल्स होती है उनको भी 100% प्योर बनाने के लिए कई बार अभी हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आपके पास द लास्ट टॉपिक दैट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, बेसिकली खराब होना, इसको अपनी भाषा में बोले तो हमारे पास में जो भी हमारा जो मेटल होता है वो एटमोस्फियरिक ऑक्सीजन या सिचुएशन के कारण वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद में अपने ऑक्साइड्स में या जो भी उनका चीज होता है उसमें टूट जाता है, बन जाता है, एंड देन वो धीरे 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 खुद को ही डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। इन दिस प्रोसेस आपका जो मेटल होता है वो अपने पूरी स्ट्रेंथ को, जो उसकी प्रॉपर्टीज होता है उसको खो करके एकदम बिल्कुल डल सा ऑक्साइड या फिर सल्फाइड या जो भी बनाता है, और उसके कारण हमारे पास में जो मेटल होता है दैट इज वेरी नॉट इन यूज, हम उसका यूज नहीं कर सकते। और अगर आप घर पर भी नोटिस करते हो तो लोहे के जो सामान होता है उस पर जंग वंग लग जाता है जो कि बहुत बेकार होता है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल कीप्स ऑन रिएक्टिंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ओवर द मेटल, इन द लॉन्ग रन द अंडरलाइंग लेयर ऑफ मेटल कीप्स ऑन गेटिंग लॉस ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ आपका जो कन्वर्जन है इनटू ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट ATC, एज रिजल्ट द प्रोसेस इज कॉल्ड द कोरोजन। सो हम लोग उसको बोलते हैं कि अपने ही आपके जो ऑक्साइड्स उनमें कन्वर्ट होकर के मेटल का धीरे 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 डिस्ट्रॉय होना, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। तो आप लोगों ने आयरन के ऊपर कोरोजन देखा होगा, आप लोगों ने
आपके सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर देखी होगी, आपने तांबे के बर्तनों पर ग्रीन कलर की लेयर देखी होगी. दिस ऑल आर द टाइप ऑफ कोरोजन जो कि हम लोग जनरली देखते हैं. ठीक है, तो बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, जहां पर आपको पता है कि रस्टिंग में जो हमारे पास में आयरन होता है, तो आयरन जब एटमोस्फेरिक वाटर यानी जो कि वेपर के फॉर्म में होती है उसके साथ एंड जो ऑक्सीजन होता है, याद रखिएगा विदाउट ऑक्सीजन रस्टिंग नहीं होगी एंड विदाउट वाटर जो है रस्टिंग नहीं होती. क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी रस्टिंग होती है तब आपके पास में जो वाटर एंड ऑक्सीजन है दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है, और दोनों की प्रेजेंस में हमारा जो आयरन होता है वो रिएक्ट करके बनाता है Fe2O3.XH2O. यानी जितने नंबर ऑफ आपके पास में वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उतने जो है आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे वो करना है, बैलेंस करने का नीड नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर XH2O लिखा हुआ है. यानी कि जितने वाटर के मॉलिक्यूल है, अगर मैं यहाँ पे X लिख देती हूँ तो X इज नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे उस तरीके से आप लोग उसको बैलेंस करोगे. ठीक है, तो नॉर्मल भी जनरलाइज आप इसको बैलेंस कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट विल बी बैलेंस. तो यहाँ पे जो आपको मिला है ये दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस. यहाँ पर इवॉल्व होती है हीट, हल्की सी हीट इवॉल्व होती है जिससे ये प्रोसेस बेटा ऑन गोइंग होती है क्योंकि सेल्स फॉर्मेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस वेपर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं इनके कारण यहाँ पर जो आयंस होते हैं उनका ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है जिससे रस्टिंग धीरे 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 पूरे के पूरे जो हमारा स्पेसिमेन होता है आयरन का उसके ऊपर पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा लेती है एंड इसके कारण हमारा जो पूरा आयरन होता है अपनी प्रॉपर्टीज को खो देता है और यह जंग में बदल जाता है. तो हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो भाई प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग बेसिकली हम लोग यूज कर सकते हैं. तो फॉर रस्टिंग आयरन मस्ट कम इन टू कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर. रस्टिंग इज प्रिवेंटेड बाय द प्रिवेंटिंग द रिएक्शन बिटवीन एटमोस्फेरिक मॉइस्चर एंड द आयरन आर्टिकल. दिस कैन बी डन बाय पेंटिंग, ग्रीजिंग, गैल्वनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड अलॉयिंग एंड एनोडाइजेशन. सो बेसिकली क्या होता है कि हर किसी मेटल का एक अपना ही रूप होता है. जैसे मैंने आपको बोला कि आयरन के ऊपर रस्ट होता है, ऐसे ही बच्चा आपके पास में जो कॉपर होता है उसके ऊपर भी रस्टिंग जो होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पार्टिकल्स के कारण होती है ना. इसको ऑक्सीजन से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना इसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से फर्क पड़ता है. तो ये बना लेता है कॉपर, कॉपर का कार्बोनेट CuCO3 एंड कॉपर का हाइड्रोक्साइड. दिस इज द होल प्रोसेस. सो CuCO3 एंड कॉपर का होल हाइड्रोक्साइड ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बना लेता है. जो ग्रीन कलर की आप लोग लेयर देखते हो कॉपर के ऊपर, दिस ग्रीन कलर लेयर इज नथिंग बट कॉपर का हाइड्रोक्साइड विद कार्बोनेट. दूसरी चीज जो आप लोग यहां पर नोटिस करोगे दैट विल बी कि आपका जो एजी होता है सिल्वर के जो चीजें होती है उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर होती है बिकॉज ऑफ Ag2, एज दिस इज द रीजन बिहाइंड हमारा जो सिल्वर का कलर होता है वो धीरे 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 ब्लैक हो जाता है, ब्लैकिश कलर की उस पर लेयर जम जाती है. तो ये ऑल टाइप ऑफ रस्टिंग जो कि आप लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हो. तो प्रिवेंशन के लिए हम या तो फिर उनको पेंट कर देते हैं या फिर उसके ऊपर ऑयल हम लोग डाल देते हैं. ऑयल डालने से क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट होता है वो टूट जाता है. ठीक है, तो एटमोसफेयर से हमारा जो कॉन्टैक्ट है हमारी मेटल का टूटने के कारण जो रिएक्शन है वो नहीं होती एंड हमारी मेटल जो होती है वो बच जाती है. तो पेंटिंग एंड ग्रीसिंग आर द प्रोसेस जहाँ पर हम प्रिवेंट करते हैं एटमोसफेरिक कॉन्टैक्ट से. दूसरी चीज गैल्वनाइजेशन. गैल्वनाइजेशन भी वो प्रोसेस है जहां पर हमारी मेटल को स्पेशली आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं तो आयरन के ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक की लेयर जमा देते हैं. दिस इज द प्रोसेस जहां पर जिंक को आयरन, मतलब जिंक का जो पतला पतला घोल होता है, लिक्विड होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आयरन को डुबो देते हैं. देन आपके पास में आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट की सरफेस को लेयर कर देते हैं. बेसिकली से मान लीजिए आयरन है तो आयरन से लेस रिएक्टिव होता है आपके पास निकल एंड कोबाल्ट, तो उनको क्या कर देते हैं, ऐसी पतली सी लेयर इनके ऊपर डाल देते हैं. जनरली हम लोग आयरन को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में रखेंगे हम किसी कैथोड के ऊपर एंड आपके पास में जो भी मेटल की हमको कोटिंग करनी पड़ती है उसको रखेंगे हम एनोड पर. तो एनोड पर रखी हुई जो भी मेटल है वो निकल करके आयरन के ऊपर जा करके अपनी लेयर बना लेती है और इससे हमारा जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उससे आयरन का आर्टिकल सेफ रहता है. अलॉयिंग. अलॉयिंग इज वन मोर प्रोसेस जहां पर मेटल्स के अंदर अदर मेटल या नॉन मेटल को मिक्सअप करके हम लोग प्रिवेंट करते हैं
एनोडाइजिंग जो होता है, सेम प्रोसेस अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने समझा था कि जब हमारे पास में मेटल के ऊपर ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज एनोडाइजिंग. तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको भी हम लोग देखेंगे. चलिए तो सर सबसे पहले बात करते हैं एलॉयज की. तो मेरे पास में यार देखो एग्जाम्पल है, हम लोगों ने पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजेशन में हमारे पास में जिंक की लेयर को हम लोग आयरन के आर्टिकल्स पर चढ़ा देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन. इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे जाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे मैंने आपको बता दिया क्या करना है. बात करते हैं आपके एलॉय. तो बेसिकली एलॉयज जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉयज. तो बेसिकली आप लोग क्या करते हो, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हो, जैसे स्टील, स्टील इज एन एलॉय ऑफ आपका आयरन. तो आयरन का एलॉय क्या होता है, स्टील होता है. हमारे घरों में स्टील हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं, उसका रीजन है क्योंकि स्टील पर जंग नहीं लगता, स्टील के पास में स्ट्रेंथ भी है, स्टील जो होता है वो टिकाऊ भी होता है, सब कुछ सारी प्रॉपर्टी है जो कि आयरन में होती है. परंतु दोनों में एक ही फर्क होता है कि स्टील के अंदर, स्टील एक एलॉय है और आयरन प्योर मेटल होता है. तो आयरन जो होता है वो रिएक्शन करता है विद एटमोस्फियरिक एयर एंड जो भी वाटर की वेपर्स होती है उनके साथ में, बट स्टील नहीं करता. रीजन, स्टील के अंदर हम लोग मिक्सअप कर देते हैं सम अदर मेटल like निकल एंड क्रोमियम जो होता है वो उसको प्रिवेंट करता है रस्टिंग से, एंड हम बनाते हैं इसमें कार्बन मिला देते हैं जिससे ये उसको स्ट्रेंथ देता है. यानी कि हम जब थोड़ी सी इंप्यूरिटीज मिला देते हैं तो हमारी जो मेटल होती है उसकी प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो जाती है, दैट इज व्हाई वी नीड एलॉयज. ठीक है, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ एलॉयज में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं फेरस के एलॉय. तो एन एलॉय इन विच आयरन इज प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल मैंगनीज स्टील. ठीक है, इसमें आयरन होता है, मैंगनीज होता है, कार्बन होता है, एंड निकिल स्टील में बेटा निकिल, आयरन एंड कार्बन का यूज किया जाता है. नॉन फेरस एलॉय, जैसे कि आपके पास में एलॉय डज नॉट कंटेन आयरन, फॉर एग्जाम्पल ब्रास एंड ब्रॉन्ज. तो ब्रास के अंदर आपके पास कॉपर के ये एलॉयज है, कॉपर के अंदर आपका कॉपर के साथ में 80% कॉपर एंड जिंक को हम लोग 20% मिक्सअप कर देते हैं तो हमें मिल जाता है ब्रास. एंड ब्रॉन्ज की अगर मैं बात करूं तो कॉपर के साथ में हम लोग टिन को मिला देते हैं 90-10% रेशियो, तो अब हमें मिलता है ब्रॉन्ज. तो ये थोड़े से नॉन फेरस एलॉय है. एंड अमलगम्स, अमलगम्स भी यूज किए जाते हैं, बट बेसिकली ये एलॉय विच मरकरी इज प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल सोडियम का अमलगम जो होता है एंड जिंक का अमलगम होता है, यानी कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि मरकरी को मिक्सअप कर देते हैं, मरकरी को मिला दिया जाता है, दैट इज योर अमलगम्स. ठीक है, अब बच्चा आपके पास में थोड़े से यहाँ पर क्वेश्चंस है. इसमें एक चीज जो कि छूटी हुई है, लेट मी मेंशन दिस, एंड दैट इज एनोडाइजिंग प्रोसेस, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है. सो लेट मी एक्सप्लेन द एनोडाइजेशन क्या होता है, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं बेटा एनोडाइजेशन की प्रोसेस. तो एनोडाइजेशन में क्या होता है, एनोडाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर बेसिकली आपको पता है कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट, या हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम अपने जो सराउंडिंग ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्शन करके एक बहुत ही पतली सी क्या कर देता है, लेयर को अपने चारों तरफ बना लेता है. तो यहां पे जो लेयर बन रही है दैट इज एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का लेयर. बेसिकली क्या होता है, ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का लेयर बन जाता है. दिस इज द Al2 O3. इससे फायदा क्या होता है, Al2 O3 जो होता है ये पतली सी लेयर जमा लेता है, एंड हमारा जो एल्यूमिनियम होता है ये हमारी प्योर मेटल होती है, एंड दिस इज द प्रिवेंशन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल. तो ये नेचुरली होता है, दिस इज द नेचुरली थिंग जो कि होती है. बट लाइक हम लोगों को एल्यूमिनियम अगर आप देखा जाए तो हमारे घरों में तो बहुत यूज होता है. तो हम हमारे घरों में जो एल्यूमिनियम के बर्तन यूज कर रहे हैं, जो भी सामान यूज कर रहे हैं, वो कैसे बहुत लंबे टाइम तक के स्टोर किया जाता है और वो कुछ भी नहीं होता उसमें, है ना. उसके पीछे का एक रीजन होता है कि हम इसको नेचुरली के साथ साथ आर्टिफिशियली भी इसके चारों तरफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को जमाने की कोशिश करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग H2SO4 जैसी कुछ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं. तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास में एक मेरा एनोड है, दूसरा मेरा कैथोड है. हमारे पास में हमेशा हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कैथोड, सॉरी, हमें एनोड के ऊपर हमारा जो
मेटल होता है उसको लगा देना है, जिस मेटल के ऊपर हमें एनोडाइजेशन करना होता है उसको हम उस मेटल को हम लोग एनोड पर लगा देते हैं, ठीक है। एंड जिस मेटल से हमें बेसिकली जिस मेटल के ऊपर हमें ऑक्सीजन का लेयर चढ़ाना होता है, हमें क्या करना है एनोडाइजेशन में, बेसिकली चाहिए होती है ऑक्सीजन, जहां पे हमें ऑक्सीजन मिल जाए तो यहां यूज करते हैं डाइल्यूटेड H2SO4। इससे क्या होता है कैथोड के ऊपर जो हमारे पास में SO4 की जो ऑक्सीजन होती है वो लेयर जो है इसके ऊपर पतली सी जो लेयर है वो जमा देती है, और वो लेयर जो होती है वो धीरे 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 मोटी होते चले जाती है। एंड कैथोड पर आपकी जो अदर जैसे लाइक हाइड्रोजन गैस वगैरह जो होती है वो मुक्त होती है। अब इससे हमारे पास में क्या हो जाता है, हमारी जो मेटल होती है उसके ऊपर एल्यूमिनियम की एक और लेयर, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर पे लेयर है तो वो बहुत मोटी लेयर बन जाती है। तो आर्टिफिशियली हम लोग क्या करते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर मोटी सी ऑक्सीजन की लेयर को जमा देते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज एनोडाइजेशन। तो यही एकमात्र रीजन होता है कि हम लोग जो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के जो बर्तन होते हैं जो आर्टिकल्स होते हैं उनको जनरली हम लोग एनोडाइजेशन करके ही मार्केट में प्रेजेंट करते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लंबे समय तक के सेफ रहे, ठीक है। तो ये थे आपके पास में मेटल एंड नॉट मेटल वन शॉट। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, तो गाइज दीज आर सम क्वेश्चंस, यू गाइज कैन डू दिस क्वेश्चंस, तो आप लोग बहुत इजीली क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हो। दीज ऑल आर PYQ क्वेश्चन जो कि आपको हेल्प करेंगे फॉर एग्जाम्स, ठीक है। देन आपके पास में ये भी एक क्वेश्चन है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे, बिकॉज दीज ऑल आर PYQ क्वेश्चन जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले है, ओके। चलिए, सो दैट्स इट बच्चा आपके लिए, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वन शॉट आपको काफी ज्यादा एग्जाम में हेल्प करेगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।